साथियों क्या आप यूपीएसआई 2020 अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो हम लेकर आए आपके लिए निश्चय यूपीएसआई 2020 बैच इसके लिए डाउनलोड कीजिए हमारी एग्जाम ऐप या फोन कीजिए हमें निम्नलिखित नंबरों पर साथियों क्या आप यूपीएसआई 2020 अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो हम लेकर आए आपके लिए निश्चय यूपीएसआई 2020 बैच इसके लिए डाउनलोड कीजिए हमारी एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप या फोन कीजिए हमें निम्नलिखित नंबरों पर हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं साथ ही साथ आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी है कि अब एसएससी के लिए एक नया चैनल आप लोग के लिए स्पेशली बना दिया गया है कोच मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पर आ, जो है आप लोगों को भी थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर लग रही होंगी कि यार हम लोग यूपी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें या फिर हम लोग लेखपाल की करें या फिर अदर एग्ज़ाम की या फिर एसएससी की तो एस एस के लिए स्पेशल क्लास हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से चला सकते हैं जिसमें हम लोग आप लोग को इंग्लिश की काफ़ी सारी क्लासेस uh, दे सकते हैं फिर आपकी चाहे जी के हो या फिर करंट अफेयर हो तो बहुत सी क्लासेज अब आप लोगों को दी जाएंगी आपके अपने चैनल पर और आप लोगों के लिए एस एस एग्ज़ामपुर का चैनल जो है वो एक अलग ही बना दिया गया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ठीक है और के के लिए स्पेशल के लिए स्पेशल तैयारी आप वहां पर क्लासेस कर सकते हैं तो खैर चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं तो आज की आप लोग देख ही चुके हैं कि जीएस की आपकी महा मैराथन होने वाली है जिसमें मैं चेतन सर और विनीत सर हम लोगों को आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर कराएंगे ज्योग्राफी के पॉलिटी के एंड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस सो so, अभी मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें कि आपके करंट और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे तो आप लोगों को लाइक करना है क्लास को शेयर करना है और एस का जो कि अपना चैनल बन गया है एक नया एक नई शुरुआत तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए करिए हम लोग शुरुआत ये लीजिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग के सामने लग गया है आप लोग क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कीजिएगा हम देखते हैं देखना है मुझे कि आप लोग विवेक सर की जो कि सर की सुबह में साढ़े छह बजे करंट अफेयर की क्लास होती है उस क्लास को आप लोग कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं कर रहे हैं ठीक है ठीके? कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं गुड आफ्टरनून रेशमा जी बेटा अभी गुड मॉर्निंग नहीं है गुड आफ्टरनून हो गया है शशि शेखर जी एक आप लोगों को एक अच्छा एनवायरमेंट दिया जा रहा है फिर उसके लिए आप कुछ भी कह लीजिए आप लोग के लिए सोच विचार किया जाता है और बहुत ही बेहतरीन चीजें आप लोग को देने की कोशिश की जाती हैं फिर उसकी परिभाषा आप किसी भी रूप में दे सकते हैं ओके वर्षा ऋतु जी शैलजा अच्छा सभी हैं यहाँ पर क्या बात है बहुत खुशी हुई आप सभी को देख करके टॉम एंड जेरी भी हैं तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर कि डी आर डी ओ डी आर डी ओ का रक्षा अनुसंधान जो कि दिहार ये कहाँ पर स्थित है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है ठीक है इसका यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि दिहार जो है ये यहाँ पर कहाँ पर स्थित है देखिए सबसे पहले दिहार जो है इसकी फुल फॉर्म जरा देख लीजिएगा हो सकता है आप लोगों से इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए डी फोर यहाँ पर डिफेंस है आई फोर यहाँ पर इंस्टीट्यूट है हाई फोर यहाँ पर एल्टीट एच फोर यहाँ पर हाई है और ए फोर यहाँ पर एल्टीट्यूड है और आर फोर यहाँ पर रिसर्च है ये क्या है ये इसकी फुल फॉर्म है और इसको कहां पर ओपन किया गया है याद रखिएगा कि इसको आपका कहां पर लेह में इसको ओपन किया गया है और इसका जो उद्देश्य है कि इसको क्यों ओपन किया गया है ताकि यहां पर कोविड नाइन्टीन से जो भी यहां पर लोग इफेक्टेड हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पहचान की जा सके ठीक है लगभग इसका जो टारगेट रखा गया है रखा गया है कि इसके अंदर लगभग पचास नमूनों को एक दिन में क्या किया जाएगा यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा मतलब कि पचास एग्जाम्पल्स को यहाँ पर जो है क्या किया जाएगा यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा ऐसा इन्होंने यहाँ का उद्देश्य रखा है और इसकी जो ओपनिंग है वो लद्दाख के उप मुख्यमंत्री के द्वारा हुई है सॉरी उपराज्यपाल के द्वारा हुई है इसकी अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो इसकी जो शुरुआत है किसके द्वारा हुई है वो लद्दाख के उपराज्यपाल के द्वारा हुई है उपराज्यपाल के द्वारा हुई है और जल्दी से मुझे आप लोग बताएंगे कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है जल्दी से आंसर करके बताएंगे कि यहाँ पर लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है इतना मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाती हूं ठीक है बताएंगे कि यहाँ पर लद्दाख के बिल्कुल सही अमन सैनी आदेश सुमित कुमार वेरी गुड आर के माथुर बिल्कुल सही आंसर किया है आप लोगों ने कौन है यहाँ पे आर के माथुर बिल्कुल सही बात उसके बाद भी अगर हम लोग लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और प्रेजेंट टाइम में हमारे आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख हमारा इकतीस अक्टूबर ठीक है कब इकतीस अक्टूबर दो को लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग होकर के अलग अलग राज्य हमारे बने हैं अगर मैं लद्दाख की बात करती हूं तो फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन अगर मैं लद्दाख के एरिए की बात करूं आप लोगों से तो फिफ्टी नाइन कोमा वन पॉइंट फोर फाइव किलोमीटर स्क्वायर ये क्या है ये आपका लद्दाख का क्षेत्रफल है ठीक है जो कि आप लोग को यहाँ पर याद रखना है बिल्कुल सही चलिए आंसर देखते हैं आप लोग यहाँ पर क्या आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों से एक अपॉइंटमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुमित देव सुमित देव को किस संगठन के अध्यक्ष और प्रबंधन प्रबंध निदेशक के रूप में यहाँ पर क्या किया गया है नियुक्त किया गया है ठीक है हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है एक है आपके पास राष्ट्रीय खनिज विकास निगम दूसरा है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ठीक है थर्ड है आपके पास इंश्योरेंस ठीक है थर्ड कौन सा है आपके पास इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिर डी है कि इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर आपका क्या होगा बिल्कुल सही आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास और निगम जो है इनके क्या बनाए गए हैं सीएमडी बनाए गए हैं सीएमडी मतलब कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इनको यहां पर बनाया गया है अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने बेजेंद्र कुमार ठीक है इन्होंने बेजेंद्र कुमार का स्थान लिया है यहाँ पर और दो तक इनका कार्यकाल यहाँ पर चलेगा ठीक है दो तक क्या चलेगा इनका कार्यकाल यहाँ पर चलेगा चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग कुछ ऐसे ही जैसे कि हमने पहले किया था आ, लास्ट संडे जो हमने अपनी मैराथन क्लास की थी सबसे पहले हम लोग कुछ करंट के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगी ठीक है तो दोनों रहेगा चलिए तो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर आ चुका है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने बांग्लादेश के चटोग्राम बंदरगाह के माध्यम से अपना परीक्षण कंटेनर जहाज जिसका नाम क्या है जिसका नाम है यहाँ पे एम वी एम वी से ज्योति ठीक है एम वी से ज्योति यहाँ पर भेजा है किसने भेजा है चीन ने भेजा है मालदीव ने भेजा है भारत ने भेजा है या फिर यहां पर किसने आपका म्यांमार ने भेजा है किसने यहाँ पर अपने जहाज जा, को जो कि कैसा है कंटेनर शिप इसकी परीक्षण यहाँ पर किया गया है किसने यहाँ पर भेजा है बिल्कुल सही चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में आंसर बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं भारत अब इसके बारे में जरा सुनिएगा ये जो जहाज है इसकी जो टेस्टिंग की गई है वो यहाँ पर कलकत्ता से लेकर के अगरतला तक ठीक है कलकत्ता से लेकर के अगरतला तक कलकत्ता जो कि आपकी अगरतला जो कि किसकी कैपिटल है यहाँ पर त्रिपुरा की कैपिटल है ठीक है तो ये जो कंटेनरशिप जो जहाज है कंटेनरशिप जहाज कैसा होता है वो होता है जो कि सामान की, की आवाजावी करता है ठीक है इसके माध्यम से जो कि बहुत ही हैवी चीजें हैं लाइक आयरन है ना लोहा लोहे की रोड लोहे की सलाखें इस टाइप से इस जहाज के थ्रू चीजें जो है भेजी जाएंगी और इस जहाज का जो रास्ता बनाया गया है वो कलकत्ता दिखा देती हूँ अभी आप लोगों को इस जहाज का जो रास्ता यहां पर बनाया गया है वो आप लोग देख सकते हैं देखिए यहां पर कलकत्ता से सॉरी यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करती हूं तो ये कलकत्ता से यहां पर आएगा आपका कहाँ पर यहाँ पर चट जो है यहाँ पर ये आएगा और उसके बाद ये जाएगा यहाँ पर जो कि कौन सा है अगरतला है ठीक है इस जहाज के माध्यम से हम लोग हमारे जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहां पर सामान की आवाजावी कर सकते हैं क्लियर है तो ये सभी चीजें आप लोगों को इसके बारे में याद रखनी है चलिए आगे करेंगे अब हम लोग यहाँ पर कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास ठीक है क्या नाम है इसका मार्ग अभ्यास जिसको कि इंग्लिश में यहाँ पे पास एक्स इट मीन्स पास एक्सरसाइज यहाँ पर शुरू की है पहली बार ये पास एक्सरसाइज जो है कैसी है पहली बार ये कुछ इस टाइप की पास एक्सरसाइज हुई है है ना तो बताना है कि पास एक्सरसाइज जो है ये यह यहाँ पर किसके साथ में की है पास एक्सरसाइज जो है ये यहाँ पर किसके साथ में की गई है ये आप लोग मुझे यहाँ पर आंसर करके बताएंगे जल्दी से यूएसए बिल्कुल सही क्या बात है भाई बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं कोई डाउट ही नहीं हो रहा है आप लोगों के ऊपर पास एक्सरसाइज की बात करें तो ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे भारत की नेवी के द्वारा साथ ही साथ अमेरिकी जो कि यहाँ पे नेवी है ना उनके द्वारा यहाँ पर ये एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है और ये जो एक्सरसाइज हुई है ये अगर मैं बात करूँ सीधे शब्दों में तो ये कहीं ना कहीं चीन को डराने के लिए हुई है क्योंकि गलवान घाटी वाला केस आप लोग जानते ही हैं तो उसी समय में भी हाल फिलहाल में ही ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट की गई थी ताकि चीन को लगे कि अमेरिका और भारत का जो है क्या है एक भाईचारा पना है होता है ना भाई भाई तो वो भाईचारा पना है, है अटैक करने की कुछ कोशिश करेगा या कुछ भी एक्शन वो लेता है तो अमेरिका भारत का साथ देगा तो इसके चलते यहाँ यह एक्सरसाइज हुई है ठीक है तो आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पर याद रखना है क्लियर है चलिए आगे करते हैं हम लोग हम यहाँ पर हाँ इस एक्सरसाइज के बारे में यह भी ध्यान रखिएगा कि ये चीन सागर जो है ना वहां पर इसको चीन सागर का दक्षिण वाला जो एरिया है वहां पर 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 इस एक्सरसाइज को को किया गया था ठीक है भाई आ, चीन को थोड़ा सा डराने के लिए बिल्कुल अंजलि सिन्हा शैलेश यादव जी बिल्कुल सही रेशमा बिल्कुल चलिए आगे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने तीसरी जी ट्वेंटी किस देश ने तीसरी जी ट्वेंटी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स ठीक है गवर्नर्स यहाँ पर जो कि क्या है एफ एम सी बी जी ठीक है इसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर है आपकी ये यहाँ पर दी हुई है फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक की यहाँ पर अध्यक्षता हुई है बताएंगे आप लोग यहाँ पर किस देश में यहाँ पर जो है ये यह अध्यक्षता यहाँ पर हुई है बिल्कुल सही यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं इस अध्यक्षता की अगर मैं बात देखिए सबसे पहले अगर मैं जी ट्वेंटी की बात करती हूं कि ये जो यहां पर जो इनकी मीटिंग हुई थी वो मीटिंग ये आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी ठीक है और जी ट्वेंटी में जो भी देश यहां पर शामिल हैं जिसमें कि हमारा भारत भी जी का एक मेंबर है तो जितने भी देश जी के अंदर शामिल हैं उन सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर मीटिंग की थी और इस मीटिंग में हमारे भारत की ओर से कौन शामिल हुआ था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है निर्मला ने वो इस मीटिंग में यहाँ पर शामिल हुई थी और कहाँ पर हुई थी बिल्कुल सही ये सऊदी अरब में हुई थी सो तो आपका जो आंसर है क्या होगा सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा अगर पूछा जाए कि ये जो मीटिंग थी इसका मुद्दा क्या था की क्यों गई थी ये मीटिंग है ना रीजन क्या था तो कोविड नाइन्टीन की जो महामारी है है ना कोविड नाइन्टीन की जो कि ये महामारी चल रही है इससे हम लोग किस तरीके से डील कर सकते हैं किस तरह से हम लोग कोविड नाइनटीन के चलते चीजों को सुधार सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकते हैं इन सभी मुद्दों पर इन सभी ने मिलकर के चर्चा की थी चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर बताना है भाई आप लोगों को यहाँ पे आंसर करके आगे क्वेश्चन अब आपके सामने आया है कि किस भारतीय राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का यहाँ पर क्या किया है यहां पर गठन किया है बताना है कि आंसर यहाँ पर क्या होगा इसमें राहणी जी आपका बेटा गलत जा रहा है आंसर थोड़ा सा जरा चेक कीजिए आंसर को सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि किस राज्य ने क्या है देखिए अभी क्या हुआ है 2014 में जानते ही हैं जून 2014 में तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बना था जिससे कि तेलंगाना ने जो कि आंध्र प्रदेश की एक कॉमन कैपिटल थी कौन सी हैदराबाद उसको भी अपने हाँ पर शामिल कर लिया इवन हाई कोर्ट भी कहां पर आ गया तेलंगाना में आ गया तो आंध्र प्रदेश के पास तो कुछ भी नहीं बचा ना तो राजधानी बची ना हाई कोर्ट बचा तो खैर उन्होंने फाइनली अपना पच्चीसवा हमारे देश का पच्चीसवा हाँ कोर्ट बना लिया है किसने आंध्र प्रदेश ने जो जनवरी 2019 से काम भी कर रहा है ठीक है तो प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट हो गए हैं इंडिया में उसके बाद आंध्र प्रदेश ने कहा कि भाई मुझे राजधानी बनाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए और इन्होंने 10 वर्षों का समय यहाँ पर मांगा अपनी राजधानी बनाने के लिए और राजधानी कौन सी अमरावती ठीक है अमरावती नदी के किनारे पर ये लोग अपनी राजधानी बनाएंगे जिसका नाम ये क्या रखा है अमरावती कैपिटल ही ये लोग यहाँ पर बनाएंगे आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही नए जिलों का गठन किया जा रहा है जिसके लिए इन्होंने एक उच्च स्तरीय कमेटी का क्या किया है गठन किया है सो आंसर क्या होगा आप लोगों का आंध्र प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा ना कि यहाँ पर तमिलनाडु होगा और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सभी यहाँ पर आउट हो गए ठीक है आप लोगों ने ठीक से आंसर नहीं किया ये चलिए कोई बात नहीं किटू स्मार्ट जी चलिए आगे बात करते हैं बिल्कुल स्मार्ट जी जितेंद्र जो हैं जितेंद्र कुमार जो हैं उनको यहाँ पर हाईकोर्ट का जज बनाया गया था पहले जज बने हैं आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के चलिए अब आगे करें अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन चलिए भाई आगे हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में देखा गया चटोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है जस्ट अभी वैसे हम लोग इसको यहाँ पर देख भी चुके हैं तो फिर भी बात कर लेते हैं एक बार कि चटोग्राम जो पोर्ट है ये रिसेंटली कहाँ पर देखा जा रहा है लंका गुजराती है लंका के आगे श्री और लगा लो बिल्कुल सही कहां पर बहुत आसान क्वेश्चन था मैं लोकेशन आप लोगों को दिखा ही चुकी हूं बांग्लादेश की यहां पर बात की जा रही है किसकी बात की जा रही है बांग्लादेश की यहां पर बात की जा रही है जो कि हमारे भारत में कंटेनर शिप जो है उसकी टेस्टिंग की गई है जिसको कलकत्ता से अगरतला तक यहां पर चलाया जाएगा तो ये सभी चीजें जो हैं आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे ठीक है अगर कभी पूछा जाने लगा एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बारे में तो इसका आप लोग आंसर कर दीजिएगा चले भाई यहाँ से हमारे कुछ स्टैटिक जीके के एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो हैं शुरू हो जाते हैं अक्सर आप लोग देखते होंगे कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए देखते हैं एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष यहाँ पर हुई है ठीक है एशियाई विकास बैंक जिसको कि ए शॉर्ट फॉर्म में इसको ए के नाम से भी हम लोग यहाँ पर जानते हैं ठीक है एडीबी के नाम से भी हम लोग इसको यहाँ पर जानते हैं एडीबी की अगर बात करें तो इसके अंदर 68 देश जो हैं क्या है वो मेंबर्स हैं यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं 68 कंट्रीज जो हैं वो इसकी यहाँ पर मेंबर हैं जिसमें से 48 तो एशियाई एशिया की ही हैं जिसमें से 48 कंट्रीज तो किसके हैं एशिया के हैं बाकी नाइन्टी दे मेंबर्स जो हैं वो अदर देशों से हैं ठीक है अदर महाद्वीप जो हैं वहाँ से हैं इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि हमें देशों के अंदर सामाजिक आर्थिक तकनीकी चीजें और एक फंडिंग वाली चीजों को बढ़ावा देना है ठीक है जैसे कि वर्ल्ड बैंक काम करता है विश्व के लिए इसी तरह से ए काम करता है एशिया देशों के लिए ठीक है तो इसकी स्थापना की बात करें तो क्या होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आप लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं इसका आंसर सौरभ जी जो बच्चे यहाँ पे उन्नीस आंसर कर रहे हैं मैं कहूँगी कि उन्नीस मुझे पता है कि आप लोगों ने गूगल से ही देखा होगा लेकिन अगर उन्नीस और उन्नीस की बात की जाए तो उन्नीस आप लोगों को याद रखना होगा 1966 आप लोगों को याद रखना होगा अगर कभी 1966 ऑप्शन में नहीं है ध्यान देना, अगर में नहीं है तब आप लोग है अच्छा अब बात करते है कि ये अभी हाल फिलहाल में, में, में न्यूज में क्यों है क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं सुरेंद्र जी कोई बात नहीं वेलकम आप पहली बार आए हैं तो अभी हाल फिलहाल में ये यहाँ पर न्यूज में क्यों है क्या आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर अभी एक भारतीय है हमारे एक भारतीय हैं यहाँ पर जो कि अभी 20 जुलाई को जो अभी 20 जुलाई को यहाँ पर उपाध्यक्ष बने हैं जो अभी यहाँ पर 20 जुलाई को क्या बने हैं उपाध्यक्ष बने हैं तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि उनका नाम क्या है ठीक है सॉरी पंद्रह जुलाई को बने हैं ठीक है पंद्रह जुलाई को यहाँ पर ये अभी बने हैं तो क्या आप लोग मुझे उनका नाम बता सकते हैं कि कौन बने हैं यहाँ पर बिल्कुल सही मनीला में क्या है इसका हेडक्वार्टर है मुख्यालय है जल्दी से बताइए कि कौन से हमारे भारतीय अभी हाल फिलहाल में एडीबी के उपाध्यक्ष यहाँ पर बने हैं डिप्टी चेयरमैन बने हैं प्रिंस जी सॉरी आज ना पार्लर जाना भूल गई मैं ना। पूछ तो ऐसे रहे हो कि पता नहीं कितने मेकअप लपेट करके आती हुए हा अशोक लावास बिल्कुल अशोक कौन है यहाँ पे अशोक लावसा जो कि पहले क्या थे पहले ये चुनाव आयुक्त के अंदर जो कि तीन मेंबर होते हैं उनमें से एक मेंबर थे यहाँ पर अशोक लावसा और अभी हाल फिलहाल में ये क्या बन गए हैं एडीबी के उपाध्यक्ष बन गए हैं तो ये चीज भी याद रखिएगा चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीमती नीला सत्या सत्यनारायण का निधन 16 जुलाई को हो गया है वह किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थी बताएंगे बेटा मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे चेहरे पे कम ध्यान दें और बोर्ड पर ज्यादा दे और जो मैं लिख रही हूं उस पर ज्यादा ध्यान दे जो बोल रही हूं उस पर भी ध्यान दे ठीक है कृपया करके अटेंशन बनाइए क्वेश्चन के प्रति चलिए खैर कोई बात नहीं बच्चे हैं थोड़ा मुझे पता है कि आप लोग को मस्तियां सूझती रहती है कोई बात नहीं गुजराती जी क्लास को लाइक करना देखिए इट्स नॉट फेयर क्लास uh, अच्छी लगे तो क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस तरह से टीचर को मोटिवेट किया कीजिए कि मेरी हिम्मत बने कि नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे बच्चों के लिए बहुत अच्छा करना है ठीक है इस तरह से किया करो आप लोग और ऑफलाइन कमेंट्स भी किया करो टॉम एंड जेरी बिल्कुल भाई चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं बताना है यहाँ पर बिल्कुल सही आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल टॉम एंड जेरी जी लेडीज का संवैधानिक हक होता है पार्लर जाने का चलिए खैर बिल्कुल सही आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं अगर हम इनकी बात करते हैं अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये कौन है महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में जो कि महिला सबसे पहले यहाँ पर चुनाव आयुक्त तो रही थी उनका नाम था क्या उनका नाम था यहाँ पर श्रीमती नीला सत्यानारायण जिनका भी हाल फिलहाल में ही कोविड नाइन्टीन के चलते है ना कोविड नाइन्टीन की वजह से इनका क्या हो गया है यहाँ पर निधन हो गया है मुंबई में तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग याद रखेगा का। काफ़ी ये न्यूज़ में है उसके बाद चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से आप लोगों के लिए है आप लोग मुझे ये बताएंगे कि चुनाव आयुक्त के लिए हमारा आर्टिकल कौन सा है हमारा यहां पर आर्टिकल कौन सा है अनुच्छेद कौन सा है वो आप लोग मुझे आंसर करके जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन में चेंज कर रही हूं यहां पर बिल्कुल सही कहा सौरभी जी हाँ बिल्कुल सौरभी जी एक्चुअली मेरा काफी दिन से ही गला जो है वो काफी खराब है हाँ चलिए भगत सिंह कोशरिया बिल्कुल सही कहा यहाँ पर कौन है यहाँ पे भगत सिंह कोशरिया जो है यहाँ के यहाँ के गवर्नर है और उद्धव ठाकरे यहाँ पर जो है कौन है यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं बिल्कुल सही कहा आर्टिकल बताइए कौन सा है बिल्कुल सही चुनाव आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल कौन सा है 324 बिल्कुल सही आंसर किया आर्टिकल 324 क्या है ये हमारा इलेक्शन कमीशन के लिए ही है चलिए आगे करेंगे कि मार्स हेलीकॉप्टर इंजीन्युटी क्या है मार्स हेलीकॉप्टर इंजीन्युटी क्या है इस इंजीन्युटी की मैं बात करती हूं तो ये नासा के द्वारा तैयार किया जा रहा है क्या भाई नासा के द्वारा तैयार किया जा रहा है नासा ने इस बार मंगल पर ठीक है मंगल जो कि कौन सा है हमारा इंग्लिश में हम इसको मार्स कहते हैं इन्होंने अपना टारगेट बनाया है कि हम लोग एक अपना जो कि यहाँ पे इंजीनियरिंग है इसको क्या मंगलयान पर भेजेंगे और मंगलयान पर भेजने के बाद हम वहाँ पर देखेंगे कि क्या वहाँ पर कभी भी मानव के अवशेष वहाँ पर रहे हैं मतलब क्या वहाँ पर कभी जीवन संभव रहा है ऐसा ये लोग वहाँ पर पता करेंगे दूसरी चीज़ यहाँ पर ये लोग इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें पता करेंगे जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ये एक पर सेवे रोबोट है बिल्कुल शैलजा जी ये रोवर नहीं है बल्कि एक रोबोट है देखिएगा चलिए यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि ये क्या है तो ये एक रोबोट है ठीक है एक रोबोट है और इस रोबोट के थ्रू जो कि यहाँ पर रोवर भेजा जाएगा ठीक है जो कि यहाँ पर रोवर भेजा जाएगा उसका नाम है परसेवेरास क्या नाम है पर सेवे रास इसका नाम है और ये जो रोवर है ये क्या काम करेगा ये जो रोवर है ये मंगल मिशन पर जाकर के वहां पर फोटोज की वहां पर जो चीजें हैं आसपास की नमूने हैं चट्टान है, है मिट्टी है उन सभी की फोटो क्लिक करेगा और पृथ्वी पर भेजेगा ठीक है ये क्या काम करेगा ये काम करेगा यहाँ पे पर सेवे रास जो कि एक रोवर है ये यहाँ पर काम करेगा और इसको हेलीकॉप्टर इंजीनिटी के द्वारा डिलीवर यहाँ पर किया जाएगा तो ये सभी कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे चलिए भी आगे क्वेश्चन करते हैं ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग ब्लियन एयर्स इंडेक्स के अनुसार ठीक है ये एक जो है एक आ, मतलब एक अलग ही एक ऑर्गेनाइजेशन है है ना इन्होंने एक इंडेक्स निकाली है और इस इंडेक्स में उन्होंने किस व्यक्ति का नाम बताया है जिसको हमारे भारत आ, मतलब वर्ल्ड में इन्होंने देखा कि कौन अमी, आ, कौन लोग जो है यहाँ पर अमीर हैं ठीक है उसमें सिक्स नंबर पर हमारे एक भारतीय का नाम आता है उनका नाम ही आप लोगों को बताना है कि कौन है यहां पर बताएंगे किसका नाम यहां पे आता है बिल्कुल नो no डाउट अगर भारत की बात करें तो मुकेश अंबानी का नाम सबसे पहले आता है हमारी जबान पर बिल्कुल सही भाई मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी की बात करते हैं तो इनकी जो कि अभी संपत्ति देखी गई है वो टोटल संपत्ति जो इनकी देखी गई है वो 72.4 बिलियन 72.4 बिलियन डॉलर की इनकी संपत्ति यहाँ पर देखी गई है अमेरिकन डॉलर की ठीक है तो ये चीजें जो है आप लोगों इनके बारे में याद रखनी है और हमारे भारत से जो है क्या बन गए हैं ये ओवरऑल पोजीशन पर आ गए हैं याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है ये रिपोर्ट यहाँ पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स जो है इनके द्वारा यहाँ पर दी गई है चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर हाल ही में डॉक्टर के शिवान ने इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनोटिक्स ठीक है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनोटिक्स का 2020 में एक वॉन कर्मन पुरस्कार ठीक है एक वॉन कर्मन पुरस्कार जो है इन्होंने जीता है तो आप लोगों को ये बताना है कि के शिवान का पूरा नाम क्या है ठीक है के शिवान का पूरा नाम यहाँ पर क्या है सबसे पहले मैं जरा आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये पुरस्कार जो है अवार्ड जो है वो किस लिए दिया जाता है तो ये जो अवार्ड है वो इंजीनियर है ना इंजीनियर्स जो होते हैं उनको और वायु गति की जो होती हैं उनके क्षेत्रों में ठीक है उनके क्षेत्रों में यहाँ पर दिया जाता है और वॉन कर्मन वॉन कर्मन नाम के एक पेरिस थे फ्रांस के जिन्होंने की इंजीनियरिंग फील्ड में अपना काफ़ी सहयोग दिया था तो उनके सम्मान में ही वॉन कर्मन अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है और 2020 में के शिवान जो है उनका नाम अनाउंस किया गया है लेकिन इनको 2021 में मिलेगा और कहाँ पर पेरिस में इस अवार्ड से पेरिस में सम्मानित यहां पर किया जाएगा के शिवान को 2021 में ठीक है हाँ बिल्कुल सही यहाँ पर बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं इंडियन आर्मी जी आप लोगों के ऊपर चिल्ला चिल्ला के ना अपना गला खराब कर लिया है सो so, बिल्कुल सही यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नाम है इनका ठीक है खैर मैं कहूंगी कि खूबसूरती रंग रूप या नाम से नहीं आती इंसान के नेचर से उसके इंटेलिजेंस से उसकी स्मार्टनेस से आती है रंग रूप से नहीं तो इनकी बात करें इनका इनका नाम नाम है है पे सिवान सिवान पूरा दूसरा अगर हम लोग बात करें तो के सिवान इस अवार्ड को पाने वाले ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है कि क्या वोन कर्मण पुरस्कार पाने वाले के शिवान पहले व्यक्ति हैं तो ऐसा नहीं है इनसे पहले कस्तूरी रंगा इनसे पहले कस्तूरी रंगा को पहली बार ये अवार्ड मिला था उसके बाद यू के राव यू के राव जो हैं इनको दूसरी बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था और तीसरे पर्सन कौन बन गए हैं तीसरे पर्सन यहाँ पर बन गए हैं कौन सॉरी यू आर राव है तीसरे पर्सन यहाँ पर बन गए हैं कौन के शिवान ठीक है तो ये सभी चीजें आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे चलिए आगे करते हैं कि 17 जुलाई 2020 को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर ई के उच्च स्तरीय के खंड के समापन में अपने विचार यहाँ पर रखे थे अब आप लोगों को ये बताना है कि ई ये बला क्या है ओ पी सी जी बहुत खुशी हुई मैम खुश हुई, तारीफ के, ठीक है और क्या कहें भाई और क्या कहें इसके बारे में चलिए खैर बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों को बताना है सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ई सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कुछ बच्चों को शायद ना पता हो कि ये बला क्या है ये बला क्या है तो भाई साहब ये बला नहीं है कहीं आसमान से नहीं टपका है इसकी बात करें तो देखो यूएनओ जो है इसके छह ऑर्गन होते हैं ठीक है छह ऑर्गन होते हैं जिसमें से पांच ऑर्गन प्रेजेंट टाइम में एक्टिव है प्रेजेंट टाइम में पांच ऑर्गन इसके एक्टिव है यूएनओ का एक ऑर्गन है जिसका नाम है ई ओ सी एस ओ सी ये एक ऑर्गन है एक पिलर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है उसके बाद अगर मैं इसकी बात करती हूं तो इसकी फुल फॉर्म है आर्थिक और सामाजिक परिषद ठीक है आर्थिक और सामाजिक परिषद इसको यहां पर बोला जाता है बफरी नहीं है भाई यहां पे बिल्कुल सही अगर मैं बात करती हूँ इसके मुख्यालय के बारे में तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर नवी यादव बिल्कुल सही रानी जी बिल्कुल सही कहाँ पर है न्यूयॉर्क में है कहाँ पर है न्यूयॉर्क में है इसके साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी यूएनओ के जितने भी छह ऑर्गन है इनमें से पांच ऑर्गन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है लेकिन यहाँ पे आईसीजे आईसीजे मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है इसका है हेंग में नीदरलैंड में बाकी ये भी यूएनओ का एक अंग है इन छह अंगों में से ही तो ये सभी चीजें यहाँ पर याद रखनी है और उसके साथ में ही एक और चीज याद रखेगा कि हमारा भारत हमारा भारत अभी हाल फिलहाल में ही यूएनओ के यूएनएससी मतलब कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अद, आ, मेंबर हमारा भारत यहां पर बन गया है है ना आ, जो कि दो साल के लिए इनका कार्यकाल यहां पर होता है दो साल का कार्यकाल यहां पर होता है और हमारे भारत को एक सौ बानवे से एक सौ चौरासी वोट मिली थी ठीक है जिसके साथ ही हमारा भारत यूएनएससी का मतलब कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हमारा भारत मेंबर बन गया है दो साल के लिए इवन हमारा भारत दो बार एक एक महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष भी रहेगा चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग यहाँ पर ठीक है आपके सामने अब क्वेश्चन आया है नेक्स्ट बिल्कुल सही आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन जो है वो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके सामने चाबहार बंदरगाह से जाहेदान के लिए 628 किलोमीटर के रेलवे लाइन के निर्माण के लिए एक त्रिविंदु समझौता यहाँ पर उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं निम्न में से कौन सा देश यहाँ पर त्रिविंदु समझौते में शामिल नहीं है ये बिल्कुल गलत हो गया आपका देखिए ये जो त्रिबिंदु है बल्कि अगर मैं यहाँ पे चाबहार बंदगा की बात करूँ तो इसकी जो शुरुआत है वो ईरान से ही हो रही है ठीक है आप लोग बिल्कुल गलत बता रहे हैं इस बंदरगाह की शुरुआत ही ईरान से हो रही है तो ईरान तो ऑफकोर्स इसका त्रिबिंदु के अंदर शामिल होगा ही उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान भी शामिल है पाकिस्तान भी शामिल है लेकिन इस समझौते में हमारे भारत को शामिल नहीं किया गया है ठीक है इस आ, मैं बात करूं तो इसमें क्या नहीं किया गया है इसमें हमारे भारत को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है तो हमारा भारत यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा उसके बाद चाबाहार बंदरगाह मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या चीजें हैं। देखिए, चाबाहार बंदरगाह जो है वो कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है देखिए, यहाँ पर बनाया जा रहा है जिसके लिए मैं बात करती हूँ तो यहाँ से ही रास्ता होकर के यहाँ तक आएगा ठीक है क्या आएगा यहाँ से होकर के ये रास्ता आएगा जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर के गुजरेगा लेकिन हमारा भारत अगर यहां से व्यापार करना चाहता है तो ये हमें समुद्री रास्ता यहाँ पर अपनाना पड़ेगा या फिर वहां पर अफगानिस्तान की साइड से हमें ये रास्ता अपनाना पड़ेगा तो यहां पर है चाबाहार चाबाह कहां पर है यहां पर है दूसरा ये जो चाबाह बंदरगाह है ये जो चाबाहा बंदरगाह है इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो ये 2022 तक बन करके तैयार हो जाएगा ठीक है अगर कभी पूछा जाए कि कब तक बन करके यहाँ पर तैयार होगा तो कब तक होगा यहाँ पर 2022 तक होगा चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे अब आपके शुरू हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब आपके शुरू हो जाते हैं तो देखते हैं कि आपकी तैयारी कुछ किस तरह से चल रही है यहाँ पर गुजराती बॉय जी मैंने क्या क... भाई क्वेश्चन आपने ठीक से याद नहीं किया बिल्कुल सही कहा मोहित जी हमारा भारत इसमें शामिल था इवन इसका जो सजेशन दिया गया था वो हमारे भारत के ही कहने पर दिया गया था लेकिन आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है कैसी रची जा रही है तो उस वजह से ही हमारा भारत जो है खैर बाहर यहां से कर दिया गया चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन बुराई नहीं करेंगे अपने बारे में चले भाई कन्हैया जी आवाज मीठी नहीं है फटे बांस जैसी हो गई है गला खराब हो करके। वही मीठी कहां से लग रही है आप लोगों को चलिए क्वेश्चन है आपके पास में कि किस किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि यहाँ पर हासिल की हुई है ठीक है तो बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं किसको यहाँ पर कहा गया है बिल्कुल गलत आप लोग बता रहे हैं हाँ बिल्कुल सही जो लोग यहाँ पर ए ऑप्शन आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं भाई फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस का मैक्सिमम जो एरिया है है ना मैक्सिमम जो एरिया है वो समुद्र से ही घिरा हुआ है जो की यहाँ पे पड़ता है तो फ्रांस को समुद्रों की रानी की उपाधि दी जाती है ना कि यहाँ पर इटली को दी जाती है ठीक है यहाँ पे जो आंसर होगा आप लोगों का क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा आप लोगों का फ्रांस ना कि आपका क्या आंसर होगा यहाँ पे इटली ठीक है यहां पे देखिएगा आपका जो आंसर है क्या होगा फ्रांस होगा ना कि इटली होगा चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग यहाँ पर आगे क्वेश्चन अब हम लोग यहां पर करेंगे आगे बिल्कुल सही फ्रांस को कहा जाता है चलिए आगे करेंगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर आगे कि केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है केरल भाई केरल जो राज्य है हमारा अपना यह किसकी खेती के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है ये आप लोग यहाँ पर बताएंगे जल्दी से आंसर करके आप लोगों को बताना है किसकी खेती के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है प्रोडक्शन से संबंधित आप लोगों के अक्सर जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और आप लोगों को ये क्वेश्चंस यहाँ पर याद भी होने चाहिए चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं देखिए कोकोनट की बात करते हैं तो ऑफकोर्स कोकोनट के लिए तो भाई फेमस है बिल्कुल सही यहाँ पर ये तो सही कहा इन्होंने काली मिर्च के लिए बिल्कुल भाई भाई मसालों के लिए तो केरल फेमस ही है तभी तो यहाँ से वास्को डा एक बार आने के बाद उसने यूरोपियों को यहाँ पर आने का संदेश दे दिया था उसके बाद रबड़ की बात करते हैं तो ऑफकोर्स रबड़ भी लेकिन चावल ठीक है चावल के लिए हमारा नॉर्थन एरिया जो है भारत का जैसे कि बिहार नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हमारे वो सभी चावल की खेती के लिए पॉपुलर हैं लेकिन केरल नहीं है तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये आपका सही आंसर होगा जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा आप लोगों का बी ऑप्शन वहां पर सही आंसर था नारियल नारियल मसाले मतलब कि काली मिर्च और रबड़ चलिए आगे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है ठीक है टेनिस की बात करते हैं तो टेनिस के अंदर चार ग्रैंड स्लैम है जिसमें से एक है यूएस ओपन ठीक है एक है विंबलडन ओपन दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन ठीक है उसके बाद बात करें तो फ्रेंच ओपन ये चार होते हैं ग्रैंड स्लैम ठीक है बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के ये गेम होते हैं जिसमें वर्ल्ड रैंक पर जो खिलाड़ी आते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसके बाद हमारे भारत से आ, यहाँ पे नेहा सानियावाल जो हैं उन्होंने भी और सानिया मिर्जा ने डबल्स में काफी बार ये प्रतियोगिता जीती हुई है ग्रैंड स्लैम की हाँ बिल्कुल सही आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो महेश भूपति बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई आप लोग आंसर यहाँ पर मैं अगर बात करती हूँ तो क्या नाम यहाँ पर आता है हम लोग बात करें तो यहाँ पर महेश भूपति ठीक है महेश भूपति जो है इनका यहाँ पर नाम जो है वो यहाँ पर आता है महेश भूपति का ठीक है महेश भूपति ने यहाँ पर अगर बात करती हूं तो इन्होंने 1997 में महेश भूपति ने उन्नीस सौ में डबल्स में फ्रेंच ओपन जीता था ठीक है इन्होंने डबल्स में क्या जीता था फ्रेंच ओपन यहाँ पर जीता था अभी तक किसी भी भारतीय ने सिंगल में ग्रैंड स्लैम कोई सा भी नहीं जीता है लेकिन हाँ डबल में जरूर जीते हैं ठीक है थीके? ये सभी चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन युग्म आ, जो है वो सही सुमेलित नहीं है ये चार ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं और इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो कि यहां पर सही नहीं है वही आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा है हाँ बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग सबसे पहले अगर मैं राइडर कप की बात करती हूँ तो बिल्कुल सही राइडर कप जो है ये बैडमिंटन में दिया जाता है तो भाई ये तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर ठीक है ये तो सही मैच दिया है उसके बाद डोरेंट कप की बात करती हूँ तो बिल्कुल सही डोरेंट कप जो है ये आपका किस में दिया जाता है हॉकी के अंदर यहां पर दिया जाता है साइना नेहवाल सॉरी हाँ साइना नेहवाल जो है वो यहाँ पर जीत चुकी हैं ठीक है ठीके? साइना नेहवाल जो है वो यहाँ पर जीत चुकी हैं चलिए आगे बात करते हैं देन नेक्स्ट है यहाँ पे उबेर कप कौन सा है उबेर कप है गोल्फ में यहाँ पर उबेर कप दिया जाता है बिल्कुल सही उसके बाद अगर मैं आगा खां की बात करती हूँ आगा खां कप की अगर मैं बात करती हूँ तो आगा खा कप उमेश मोंडल जी बिल्कुल सही कहा आगा खा कप जो है ये फुटबॉल में नहीं दिया जाता बल्कि हॉकी में दिया जाता है किसमें दिया जाता है हॉकी में दिया जाता है सो यहाँ पे जो आपका आंसर है क्या होगा हॉकी होगा और यहां पे सही जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में ही पूछा गया था तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर होगा ठीक है चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग यहाँ पर आगे आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कहा जो है वो स्तूप नहीं है ठीक है बताना है भरहूत धमेख रांची या फिर सांची कौन सा यहाँ पर नहीं है स्तूप के बारे में आप लोगों से पूछा गया है बताएंगे आप लोग यहाँ पर आंसर करके कि आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा देखिए बिल्कुल सही यहाँ पे अगर मैं बात करती हूं देखो सांची के अंदर भी स्तूप का निर्माण किया गया है जो कि अशोक ने कराया था उसके बाद धमेक भी, में भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि यहाँ पर भी बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है सांची का स्तूप है और उसके बाद रांची में भी लेकिन हमें अपने इतिहास में कहीं भी भरहूत के अंदर सांची का स्तूप जो है वो देखने के लिए नहीं मिला है तो आंसर आपका क्या होगा बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर था अब आगे करते हैं विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र अक्सर आप लोगों ने विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र के बारे में यहाँ पर सुना ही होगा विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र तो बताएंगे आप लोग कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है इसका जो यहाँ पर मुख्यालय है वो कहाँ पर है ये आप लोग यहाँ पर बताएंगे आंसर करके जल्दी से कहाँ पर है आपका अंतरिक्ष केंद्र ओके सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिल्कुल सही देखिए सबसे पहले अगर हम लोग विक्रम सारा भाई की बात करें तो इन्होंने बहुत ही अहम योगदान दिया है विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर की स्थापना के लिए इन्होंने 1963 में ठीक है इन्हीं के प्रयासों से 1963 में यहाँ पर विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर की स्थापना यहाँ पर की गई थी और जो कि ये क्या करता है जो कि अगर मैं इसके काम की बात करूं तो ये इसरो के लिए ही यहां पर काम करता है इसका जो मेन काम होता है वो यहां पर फोकस करना होता है रॉकेट के ऊपर और स्पेस व्हीकल्स जो होते हैं उनके ऊपर फोकस करना होता है कि हाँ सभी चीजें प्रॉपर तरीके से काम तो कर रही हैं कोई भी इनएक्टिव फॉर्म में तो नहीं है तो वो क्या होता है इसका यहाँ पर काम होता है और अगर हम लोग इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ पर है केरल के त्रिवेंद्रपुरम में ठीक है अगर इसके हम लोग मुख्यालय की बात करते हैं तो बिल्कुल सही केरल के यहाँ पर कहाँ पर केरल तो की जो राजधानी है तिरुवंतपुरम जिसको कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग जानते हैं यहां पर इसका मुख्यालय है तो यहां पर जो आंसर है वो आप लोगों का क्या होगा आंसर आपका बी ऑप्शन था चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोगों को इसका यहां पर आंसर करके बताना है आंसर करके आप लोगों को बताना है चार ऑप्शन आपके पास यहां पर दिए हुए हैं और आप लोगों को बताना है कि यहां पर ठीक है आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर कौन सा मैच नहीं है अगर मैं खाद तथा कृषि संगठन की बात करती हूँ तो बिल्कुल सही रोम में इसका मुख्यालय है इवन मेरी जो क्लास होती है 11 बजे उसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैटिक जीके के बारे में आप लोगों को पढ़ाया भी है ठीक है बताया था इसको किस तरह से याद कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद हमारा जो रोम रोम है उसके अंदर एनर्जी आ जाती है ठीक है इस तरह से याद कर सकते हैं इसको देन अंतरा अंतरराष्ट्रीय डाक संघ की बात करती हूं तो बिल्कुल सही इसका जो मुख्यालय है कहाँ है बर्न में है इंटरपोल की बात करें तो लियोन में इसका मुख्यालय है लेकिन यहाँ पर जो कि ए ऑप्शन दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय नागर विमान संगठन अंतरराष्ट्रीय नागर विमान संगठन जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन में नहीं है बल्कि मॉन्ट्रियल में है ठीक है कहाँ पर है मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है वहाँ पर इसका मुख्यालय है कहां पर है मॉन्ट्रियल में है कनाडा में इसका मुख्यालय है सो so, यहां पे आप लोगों से एक ओड के बारे में ही पूछा था तो ए ऑप्शन यहां पर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर था चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे कि आप लोगों को बताना है कि ट्विंडल खेल से संबंधित है किस खेल से ये संबंधित है इसके बारे में आप लोगों को यहां पर आंसर करके बताना है जल्दी से बताएंगे आप लोग यहाँ पर आंसर आप लोगों का यहां पर क्या होगा बिल्कुल सही मनीष यादव जी अच्छा का, का उसको रिपीट कर लेंगे एक बार क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही हेमंत मिश्रा जी अभी मैं उसको कराती हूँ दोबारा से टेबल टेनिस बिल्कुल सही है यहाँ पर टेबल टेनिस अगर मैं शब्द की बात करती हूँ तो ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है ठीक है किससे संबंधित है इस शब्द की अगर बात की जाए तो ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है ठीक है उसके बाद यहां पे देखना मुझे लग रहा है इसका मतलब इसके अंदर दो ऑप्शन आपके गलत थे हाँ यहाँ पे देखना इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों के दो वर्ड जो हैं वो गलत दिए हुए हैं एक तो इसकी बात करते हैं आगा खां की ठीक है आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आपका रोंग आया है आगा खां की बात करें तो ये आपका हॉकी से संबंधित है ठीक है दूसरा अगर मैं कप की बात करूं तो ये हॉकी से नहीं बल्कि ये फुटबॉल से संबंधित है ठीक है किससे संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है इसका मतलब जो क्वेश्चन है ना ये आपका गलत आया था ठीक है यहाँ पे दो आपके ओर्ड होंगे एक तो ए वाला और एक सी वाला तो आप लोग इसको याद कर लेना कि आगा खा कब जो है ये आपका हॉकी से संबंधित है और डूरन कब जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है ना कि आपका हॉकी से संबंधित है ठीक है इन दोनों को ही आप लोग ध्यान दीजिएगा चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे Then, आगे आपके पास क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है कि विच इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटक इसमें से कौन सा जो कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका कर्नाटक के अंदर स्थित नहीं है बताएंगे बोनल पक्षी अभ्यारण्य बोनल पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो बिल्कुल हमने पढ़ा है कि ये कर्नाटक राज्य में है देन मग्दी पक्षी अभ्यारण्य की बात करूं तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कहां पर है ये है आपका कर्नाटक के अंदर ठीक है कहां पर है कर्नाटक के अंदर है देन नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ रंग यहाँ पे रंगनाथ थीटू पक्षी अभ्यारण्य तो ये भी सही है ये तीनों ही कहां पर है कर्नाटक में है लेकिन खपरवास जो है ये कर्नाटक में नहीं है क्या आप लोग बता सकते हैं कि खपरवास जो है यह आपका किससे संबंध थे। जल्दी से बताएंगे आप लोग बता सकते हैं उबेर कब्जी राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है जल्दी से बताएंगे यहां पे आप लोग आंसर करके राणे जी अच्छा एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं जल्दी से बताना है आप लोगों को ये कहां पर है बिल्कुल सही ये कहां पर है हरियाणा में है कहां पर है ये है आपका हरियाणा में सो ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा दे नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि लाओस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है लाओस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है ये आप लोगों को यहां पर बताना है लाओस का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये यहाँ पर क्या है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है ठीक है लाओस का राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ पर क्या है ये आप लोग मुझे जल्दी से आंसर करके यहाँ पर बताएंगे ठीक है तो बिल्कुल सही यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो क्या होगा हाथी ठीक है इसका जो सिंबल का जो प्रतीक होता है वो कैसा होता है आप लोग को फोटो में दिखा देती हूँ रेड कलर का यहाँ पर बेस होता है

देन उसके बाद आप लोग को चेतन सर पढ़ाएंगे ठीक है उसके बाद आप लोगों यहाँ पर चेतन सर पढ़ाएंगे। देख लेना उस क्वेश्चन को ना फिलहाल आप लोग हटा देना ठीक है उसमें जब मैं आप लोगों को अपने 11 बजे के क्लास में पढ़ाऊंगी तब मैं उसके बारे में अच्छे से बताऊंगी क्योंकि वो वो क्वेश्चन क्वेश्चन आपका एसएससी में है और वो ना गलत है ठीक है उस क्वेश्चन में ज्यादातर आपके सभी के सभी ऑप्शन जो है वो गलत है तो जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तब तो उसके बारे में करा दूंगी देन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में कि ये कहाँ पर स्थित है सो so, बिल्कुल सही संजय गांधी नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है जिसकी प्रेजेंट टाइम में भी बल्कि काफी लॉन्ग टाइम से रवीना टंडन जो है वो इसकी अम्बेसडर बनी हुई है और प्रेजेंट टाइम में भी वही इसकी क्या है अम्बेसडर है सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद आप लोग जो हैं वो चेतन सर के साथ में क्वेश्चंस करेंगे आगे के ठीक है क्लास को शेयर कर दीजिएगा भाई हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग भाई बस एक मिनट का टाइम दे देना मैं मेरे क्वेश्चंस लगा लूं ठीक है जी और शेयर करते रहो भाई आज आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिन क्वेश्चन के बारे में आप सपने में ही सोच सकते हो बस ठीक है जी बस एक सेकंड दे दीजिए भाई मैं मेरी फाइल ओपन कर लूँ उसके बाद स्टार्ट करते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं भाई तुम्हारा पॉलिटी का सेक्शन और देख लो आज सही मायने में आज सही मायने में भाई तुम्हारा इतना औसम मतलब इतने औसम क्वेश्चन कराऊंगा ना कि आपको समझ आ जाएगा सही में पॉलिटी का लेवल क्या होना चाहिए ठीक है जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जल्दी से शेयर कर दो और भाई फटाफट -फड़ से लाइक भी कर दो जो नया आया है देखो भाई जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसमें भी हमने पॉलिटी पे बात की थी और आज भी हम पॉलिटी पे ही बात करेंगे बट थोड़ा सा डिटेल में जाके और बहुत अच्छा ऑसम सवालों को डील करेंगे देखिए भाई आपके सामने पहला सवाल आ गया आपके सामने बहुत बेसिक सा पहला सवाल है बस ये मत बोलना कि हमें पता है आपका बेसिक कितना बेसिक होता है बस ये मत बोलना है भाई कि हमें पता है आपका बेसिक कितना बेसिक होता है चलिए भाई जल्दी से आशा करता हूँ सवाल आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा देखिए बहुत साधारण सा सवाल है भाई वो कह रहा है कि कैबिनेट शब्द की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है जल्दी से जल्दी से बताइए भाई कैबिनेट शब्द की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है बस इतना ही आसान है मतलब इतना ही मुश्किल है जल्दी से करो ट्राई अरे भाई मास्टर क्या मैं तुम्हें मास्टर नहीं बना दूंगा तुम पढ़ तो लो जल्दी से बताइए भाई सवाल क्या जवाब क्या है डेफिनेशन ऑफ कैबिनेट मेंशन इन विच आर्टिकल ज़रा करना ट्राई भाई एक बार आर्टिकल 74 352 और ये याद रखना भाई सवाल यहां से शुरू होता है यहां पर ख़त्म नहीं होता यहां से मेरा सवाल शुरू होगा अमित सिंह जी कह रहे हैं सेवेंटी ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बी और भाई जल्दी करो आंसर बारह सौ छियासी हो भाई एक तो पंद्रह सौ तक लेके चलो गारंटी दे रहा हूँ आज इतने असम सवाल कराऊंगा भाई कि तुम्हें समझ आएगा सच में तुम्हें लिटरली समझ आएगा आज कि कितना कम से कम कितना लेवल होना चाहिए पॉलिटी का देखिए भाई ऑप्शन है 352 ऑप्शन है आपके सामने 352 ऑप्शन है 74 ऑप्शन है 99 और ऑप्शन है 356 जरा करिए ट्राई जल्दी से फटाफट से सारे ट्राई कर डालो भाई ताकि मुझे एक बार आइडिया हो जाए ठीक है जी सेवेंटी फोर सेवेंटी फ़ोर बहुत सारा बच्चा आंसर कर रहा है सेवेंटी फ़ोर भाई मैं बताता हूँ बस डिटेल में समझ लेना जल्दबाजी बिल्कुल मत करना शांति से समझना अच्छी तरह देखिए आंसर का जवाब क्या है अनुच्छेद तीन सौ बावन आप बोलोगे सर आप तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को गड़बड़ा रहे हो भाई गड़बड़ा नहीं रहा हूँ समझ अच्छी तरह मैं समझा रहा हूँ ये देखो कैबिनेट शब्द की परिभाषा कहाँ लिखी हुई है आप जवाब दोगे सर आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू में क्या लिखा हुआ है कैबिनेट शब्द की परिभाषा डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है आर्टिकल 352 में उसके बाद मैं पूछूंगा ठीक है भाई यहां तक तो मैं समझ गया बट लिखी कब तो मैं बोलूंगा कि 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1978 तक 1950 से लेकर 1978 तक भारत के संविधान में कैबिनेट शब्द लिखा ही नहीं हुआ था भाई 1950 से लेकर 1978 तक भारत के संविधान में कैबिनेट शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ था चौवालीसवा संशोधन करके फोर्टी फोर्थ नंबर का अमेंडमेंट किया गया चौवालीसवा संशोधन किया गया फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट किया गया और जोड़ा गया एक शब्द कैबिनेट एक शब्द जोड़ा गया कैबिनेट कौन से ईयर में जोड़ा गया आप बोलोगे 1978 में आंसर तो मैं आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है जी आर्टिकल 352 फिफ्टी संविधान संशोधन 1978 अब आप बोलोगे सर यहीं पर क्या जरूरत पड़ी तो मैं पूछूंगा कि जरा कमेंट करके बता कि नेशनल इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम करता है क्या राष्ट्रपति के पास अधिकार है राष्ट्रपति अपनी मर्जी से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है नहीं कर सकता जल्दी से बताइए भाई बस भाई मुझे टाइम चाहिए मैं गारंटी दे रहा हूं मैं इमरजेंसी ना इतना ऑसम पढ़ा सकता हूं जिसकी कोई लिमिट नहीं है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते मैं इमरजेंसी इतना ऑसम पढ़ा सकता हूं बस कमेंट करके बता दो मुझे कि क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से स्वयं अपने विवेक पे नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है या नहीं कर सकता एक सवाल नहीं भाई बहुत सारे सवाल है मेरे पास भाई मैं नहीं करा रहा फास्ट ठीक है जी समझाऊंगा प्रॉपर फास्ट करा के आंसर निकाल के भाई आगे निकल जाए समझ कभी नहीं आएगा तुम्हें भाई इससे देखिए आप जवाब दोगे कि भाई प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इमरजेंसी नहीं लगा सकता राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इमरजेंसी आपातकाल घोषित नहीं कर सकता भाई प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इमरजेंसी नहीं घोषित कर सकता उसे कैबिनेट मिनिस्टर्स की रिटर्न में कैबिनेट मंत्रियों की उसे रिटर्न में चाहिए भाई रिटर्न में कर देगा कैबिनेट मिनिस्टर की हाँ भाई तो आपातकाल घोषित कर दे उसके बाद राष्ट्रपति इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल वाली यह बात कब जोड़ी गई तो आप जवाब दोगे चौवालीसवे संविधान संशोधन से यह बात जोड़ी गई क्लियर और ये भी याद रखना भाई कि कैबिनेट की डेफिनेशन क्या होती है कैबिनेट की परिभाषा होती है कैबिनेट मिनिस्टर प्लस प्रधानमंत्री कैबिनेट की परिभाषा होती है कैबिनेट मिनिस्टर प्लस प्रधानमंत्री मेरे को लग रहा है आप बहुत अच्छी तरह प्रॉपर समझ पा रहे हो ठीक है जी ऑन द रिकमेंडेशन ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम इमरजेंसी आज मैं आपको लास्ट में यह भी बताऊंगा कि भाई क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मतलब आपातकाल खत्म करने के कितने तरीके होते हैं ये भी बताऊंगा भाई चलिए जी अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल है बेसिक सा मेरे हिसाब से बड़ी आसानी से टाइकल कर दोगे आप चलिए बताइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि संघ शब्द का सुझाव दिया गया किसके द्वारा और मतलब उसके बाद वो बोल रहा है यूनियन ऑफ स्टेट जो टाइटल है वो किस कंट्री से बोरो किया है भाई एक ही सवाल है और सवाल को थोड़ा बिल्कुल अच्छे लेवल पे जोड़ने की कोशिश करी आसान नहीं बनाया मैं नहीं पढ़ाता भाई आसान आसान पढ़ना है तो आप मत करिए मुश्किल पेपर की तैयारी बिल्कुल आसान पेपर की तैयारी कीजिए ठीक है जी सवाल कुछ इस प्रकार है संघ शब्द यूनियन शब्द देने वाला कौन था और जो लास्ट में है ना इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट भारत राज्यों का संघ है इंडिया इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट भारत राज्यों का संघ है तो इसमें जो लास्ट है ना इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट ये जो लास्ट का कंप्लीट सेंटेंस है ना यूनियन ऑफ स्टेट ये भारत ने कौन से देश से बोरो किया है जो लास्ट में शब्द है यूनियन ऑफ स्टेट ये भारत ने कौन से देश से बोरो किया है? जल्दी से किटू स्मार्ट जी कह रहे हैं अपने पुराने विद्यार्थी हैं कह रहे हैं जी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई कह रहा है बी आर अम्बेडकर पूरा जवाब दीजिए भाई प्लीज विनती है आपसे पूरा जवाब दीजिए ऑप्शन है भीमराव रामजी अंबेडकर बी आर अम्बेडकर ठीक है जी और साथ में ऑस्ट्रेलिया सेकंड ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर और यूएसए थर्ड ऑप्शन है पंडित नेहरू और ऑस्ट्रेलिया लास्ट ऑप्शन है बी एन राव और फ्रांस जल्दी से जवाब दीजिए देखते हैं भाई कितना बच्चा कितना बालक आ, कितने अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा है सेशन को लाइक करते रहिए और भाई शेयर करते रहिए बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या कर रहे हैं जल्दी से बताइए भाई बी आर अम्बेडकर ऑस्ट्रेलिया बी आर अम्बेडकर यूएसए बी आर अम्बेडकर के साथ दो नाम है उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑस्ट्रेलिया और बी एन राव ठीक है जी अपने आप को मार्क्स जरूर देना लास्ट में कि कितने नंबर मिले तुम्हें आंसर है सवाल का भीम राव रामजी अंबेडकर बी आर अंबेडकर और ऑस्ट्रेलिया यह सवाल तीन चार एग्जाम में पूछा गया इवन मुझे जितना याद है यह सवाल अपना बिहार पीसीएस तक पूछा गया है लास्ट वाला कि यूनियन ऑफ स्टेट भारत राज्यों का संघ है ये हमने कहाँ से बोरो किया जितना मुझे याद है धुंधला धुंधला पूछा गया है ठीक है जी सवाल का जवाब मिल गया जरा कमेंट करके बता दीजिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है जरा कमेंट करके बता दीजिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है और ऑस्ट्रेलिया अगले दस सालों में टेन ईयर्स में अपना रक्षा बजट कितना बढ़ा रहा है मतलब कितना कर रहा है भाई अपना रक्षा बजट जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट फड़ से ना भाई इतने आसान नहीं होते मेरे सवाल की तुम यूएसए लपेट दोगे और यूएसए से काम चल जाएगा नहीं चलेगा भाई मैं लाया ही नहीं भाई इतना आसान सवाल तुम्हारे लिए चुन चुन के लाए तुमसे चुन चुन के बदला लेना है ठीक है जी चलिए जी बताइए सवाल कुछ आगे है ऑस्ट्रेलिया मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है और ऑस्ट्रेलिया अपना 10 साल में बजट रक्षा बजट किस कितना बढ़ाएगा रक्षा बजट क्यों बढ़ाएगा

स्कॉट मॉरिसन तक की चीजें क्लियर हो गई प्रधानमंत्री समझ गए रक्षा बजट कितना बनाएगा तो भाई 190 बिलियन डॉलर रक्षा बजट बढ़ा रहा है 190 बिलियन डॉलर ठीक है जी और यह भी याद रखना भाई जो डॉलर वैल्यू वैल्यू है ना वो यूएसए में अलग होगी और ऑस्ट्रेलिया में अलग होगी तो अगर आप सर्च करोगे तो इसका जो प्राइस है ना वो अलग अलग दिखा देगा तो भाई घबराना मत कि प्राइस अलग अलग दिखा रहा है मतलब रेट वो अलग अलग दिखा रहा है क्लियर बहुत बढ़िया स्कॉट मॉरिसन कैपिटल है भाई कैनबरा कैपिटल है कैनबरा और 2018 में यहां पर करवाए गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स और जो फाइनल हुआ था शायद क्वींस वाले ग्राउंड में हुआ था क्लियर यहां तक सवाल समझ आ गया दो सवाल हुए हैं बट दो सवालों में बहुत सारे सवाल करा दिए दो सवालों में बहुत सारे सवाल मैंने आपको करा दिए बहुत बढ़िया जी बहुत सही चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल भी बहुत आसान सा है भाई कर डालिए ट्राई वो कह रहा है द कन्वेंशन दैट वंस आ स्पीकर ऑलवेज आ स्पीकर हिंदी में समझ लेना वो कह रहा है कि जो एक बार स्पीकर बनेगा वो हमेशा के लिए स्पीकर रहेगा जो एक बार स्पीकर बनेगा वो हमेशा के लिए स्पीकर रहेगा ये निम्नलिखित में से कौन से देश का प्रावधान है वंस आ स्पीकर ऑलवेज आ स्पीकर वंस आ स्पीकर ऑलवेज आ स्पीकर बस भाई कंफर्टेबल रखिए उसके बाद मेरी गारंटी है ठीक है जी क्लियर <coughs> भाई मैंने क्लियर कर दिया मैंने बोल दिया कि भाई वो जो यूएसए है ना यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के डॉलर में अंतर है भाई इसीलिए मैंने बता दिया ये जो फिगर आपके सामने लिखी है ना भाई ये यूएस डॉलर है 190 बिलियन जो है वो यूएस डॉलर है भाई तुम्हारा टीचर ना निन्यानवे पॉइंट नौ प्रतिशत तो ठीक होता है मैं मानता हूं इंसान हूं कभी कभार जरूर गलती हो जाती है बट ये भाई यूएसए का डॉलर है ये कहां का डॉलर है यूएसए का डॉलर है तो भाई मैंने दोबारा क्लियर कर दिया कहीं जान मत ले लेना कमेंट करके आंसर बताइए बहुत बढ़िया कोई कह रहा है यूएसए कोई कह रहा है यूएसए यूके बहुत बढ़िया भाई जवाब मिल गया आंसर क्या है यूके आंसर क्या है भाई सवाल का जवाब है यूके चलिए भाई इसी सवाल को ना भारत लाकर जोड़ते हैं जरा कमेंट करके बताइए भारत में जरा कमेंट करके बताइए भारत में दूसरी महिला सेकंड फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन बनी भारत में सेकंड फीमेल लोकसभा स्पीकर का नाम बताइए सेकंड फीमेल लोकसभा स्पीकर और ये भी बताइए राज्यसभा में आज तक कोई महिला स्पीकर बनी या नहीं बनी सवाल दोबारा सुन लो मैंने आपसे पूछा लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर का नाम क्या है और मैंने ये पूछा राज्यसभा में कोई महिला स्पीकर बनी या नहीं बनी राज्यसभा में कोई फीमेल स्पीकर बनी या नहीं बनी जल्दी से दोनों सवालों का जवाब दीजिए भाई जीएस महासभा का मतलब यही है कि महासभा आयोजित की जा रही है और उस महासभा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत बढ़िया बच्चे ने जवाब दिया सुमित्रा महाजन राज्यसभा वाला भी दे दीजिए भाई बच्चे ने जवाब दिया सुमित्रा महाजन भाई एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे ही सोचता है इससे अलग नहीं सोच सकता भाई वो आंसर है सुमित्रा महाजन जरा राज्यसभा वाला बता दीजिए राज्यसभा में कोई महिला अच्छा स्पीकर सभापति बनी या नहीं बनी बहुत बढ़िया बच्चा जवाब दे रहा है नो एक बच्चा कह रहा है सुषमा स्वराज अबे भाई सुषमा स्वराज को कहां बना रहे है। सुमित्रा महाजन वाला लोकसभा और राज्यसभा का आंसर है नो राज्यसभा का आंसर है नो क्योंकि राज्यसभा में आज तक कोई भी मतलब कोई भी वाइस प्रेसिडेंट भारत में महिला नहीं बनी क्लियर आशा करता हूं क्लियर हो गया चलिए भाई आगे चलते हैं आगे देखते हैं भाई मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है मैं समझाने में बिलीव करता हूं भगाने में बिलीव नहीं करता तो भाई मैं भगा नहीं सकता आपको मैं चाहे बीस क्वेश्चन कराऊं चाहे चालीस क्वेश्चन कराऊं बट टाइम प्रॉपर लूंगा अच्छी तरह ठीक है जी चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है आपके बोर्ड पर है और आप जवाब दीजिए जल्दी से द रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू देट शैलिटेडेड टू वो कह रहा है देश के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के खातों से संबंधित है वो किसे सौंपता है आखिर में जो राज्य से खातों से संबंधित है वो किसे सौंपता है भाई फर्स्ट नहीं पूछा बच्चा बच्चा जानता है मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की बेटी थी ये सब जानते हैं दुनिया जानती है जी ठीक है संदीप जी कह रहे हैं ये बनी है बेटा कहां बनी है मैंने पूछा ही नहीं भाई आर्टिकल मैंने सवाल पूछा है तुम्हारे सामने लिखा हुआ है और बिल्कुल तुम्हारे एग्जाम के पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ गारंटी दे रहा हूँ भाई आप ना मैं ये डलवा दूंगा पी आप किसी भी ग्रुप में डाल देना उससे पूछ लेना सवाल बिना मदद लिए इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा अच्छे सवाल हैं बहुत डिसेंट क्वेश्चन है ऑप्शन है प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर गवर्नर और फाइनेंस कमिश्नर ऑफ स्टेट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल या वित्तीय राज्य आयुक्त करिए भाई ट्राई टेक योर टाइम पूरी आज़ादी है भाई तुम्हें आज़ादी है मचा दो कलम से क्रांति उठा दो तूफान आंधियों को भी बता दो भाई कि तुम एग्जामपुर वाले हो ठीक है जी आंधियों को भी बता दो तुम एग्जामपुर वाले हो ताकि वो भी अपनी दिशाएं बदल दे तुम्हें देखकर, जल्दी से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बहुत सही बहुत सही जा रहे हो बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई ठीक है जी देखिए भाई बस सुनाने मत लग जाना डायलॉग कहीं भाई तुम ऐसी तैसी कर दो सवाल का जवाब क्या है राज्यपाल सवाल का जवाब क्या है राज्यपाल सारे के सारे बालक बच्चे अपने आप को जीरो मार्क्स दीजिए अंडा दीजिए आपको अंडा मिलना चाहिए और साथ साथ आपको डंडा भी मिलना चाहिए देखिए भाई सवाल तो पढ़ लो क्या पूछ रहा है तुमने सवाल तो पढ़ा ही नहीं भाई वो बोल रहा है राज्य स्टेट बोल रहा है भाई राज्य बोल रहा है स्टेट बोल रहा है समझना तभी समझ आएगा वरना पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी ये सवाल समझ नहीं आएगा अच्छी तरह देखिए वो कह रहा है कि कैग वो कह रहा है कैग सी फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ठीक है जी मैंने बोला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ना जो कर रहा है क्या कर रहा है तो आप बोलोगे सर अकाउंट्स की जो रिपोर्ट है अच्छी तरह समझना थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है मैंने बोला अकाउंट्स की जो रिपोर्ट है और स्टेट वाली अकाउंट्स की जो रिपोर्ट है स्टेट वाली वो किसे सौंपता है गवर्नर को सौंपता है अब आप बोलोगे सर पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट खराब करवा रो ये तो मैं बोलूंगा बच्चा एक मिनट दे दे बस एक मिनट दे दे मैं समझाऊंगा मैं बोलूंगा मैं समझाऊंगा तू रुक जा बस एक मिनट दे दे देख मैंने बोला कैग सी ए जी समझ लो भाई मैंने बोला कैग सीए जी आपने बोला समझ गया सर आर्टिकल 148 में है मैंने बोला बहुत बढ़िया समझ गया तू तू क्याग क्या, क्या क्या काम करता है तो आप बोलोगे सर यूनियन गवर्नमेंट के लिए मतलब केंद्र सरकार के लिए यूनियन गवर्नमेंट के लिए करता है ऑडिट यूनियन गवर्नमेंट के लिए क्या करता है ऑडिट करता है और राज्य सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए अच्छी तरह देखना अपने आप समझ आ जाएगा मैंने बोला भाई यूनियन गवर्नमेंट के लिए करता है ऑडिट और राज्य सरकार के लिए क्या करता है तो आप जवाब दोगे सर राज्य सरकार के लिए अकाउंट्स भी चेक करता है राज्य सरकार के लिए अकाउंट्स भी चेक करता है और ऑडिट भी करता है राज्य सरकार के लिए अकाउंट्स भी चेक करता है और ऑडिट भी, भी, भी करता है और यूनियन का अकाउंट्स कौन चेक करता है यूनियन का अकाउंट्स कौन चेक करता है तो आप जवाब दोगे सर जी यूनियन का अकाउंट चेक करता है सीजीए सीजीए की फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ठीक है जी याद रखना भाई सवाल यदि एग्जाम में आ जाए राज्य के लिए अकाउंट्स और ऑडिट दोनों कौन करता है तो क्या ही करता है बट यूनियन के लिए कौन करता है ऑडिट तो करता है भाई कैग और सीजीए क्या करता है अकाउंट चेक करता है आशा है भाई क्लियर हो गया होगा सवाल 1977 से 77 बहुत बढ़िया भाई किशन ठाकुर आ गया भाई तू चलो जी आगे देखते हैं क्लियर हो गया सवाल का जवाब क्लियर हो गया जरा कमेंट करके बताओ मौजूदा टाइम में भारत की सी कौन है जरा कमेंट करके बताओ भारत की महिला सी जो सातवें नंबर की महिला है सीजीए कौन है बहुत बढ़िया रॉकी सरकार जी कह रहे हैं राव भाई ज्यादा मुश्किल पेपर में नहीं पूछा मतलब जो आप बोल रहे हो ना सीजीए कब बना 1977 से ज्यादा मुश्किल पेपर में नहीं पूछा बस यूपीपीसीएस में पूछा है ठीक है जी मैंने पढ़ा रखा था भाई ये सवाल मेरे पढ़ाए हुए 10 से 12 क्वेश्चन थे एग्जाम में देखिए भाई सीजीए अभी मौजूदा टाइम में कौन है तो आप बोलोगे सीजीए है मौजूदा टाइम में सोमा रॉय और शायद जितना मुझे याद है सेवेंथ नंबर की फीमेल है जितना मुझे याद है सेवेंथ नंबर की फीमेल है सातवें नंबर की महिला है ठीक है जी यहां तक का सवाल समझ आ गया चार ही सवाल हुए हैं बस चलिए भाई आगे चलते हैं आगे देखते हैं और सवालों को भाई जिसको पढ़ना है बने रहो कॉन्सेप्ट समझाए बिना नहीं छोड़ूंगा भाई जब तक नहीं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट मैं नहीं छोड़ूंगा ठीक है जी जो पीछे वाला सवाल था उसका आर्टिकल था एक सो इक्यावन क्लाउस टू जो गवर्नर वाला आर्टिकल था अभी देखा आपने कि गवर्नर को रिपोर्ट सौंपता है उसका आर्टिकल था एक भाग दो क्लाउस टू क्लियर समझ आ गया चलिए आगे चलते हैं भाई अगला सवाल बताइए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है जो जिता सकता है आपको एक बहुत ही बेहतरीन सरकारी नौकरी आप सरकारी नौकरी चाहिए ना भाई तो पढ़ना पड़ेगा मजाक नहीं चलेगा चलिए भाई सवाल बताइए द जूरिस्ट डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मे बी एन लार्ज बाय वो कह रहा है भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा संसद के द्वारा या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जल्दी से बताइए भाई प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अगला सवाल जो जिता सकता है आपको एक बहुत ही बेहतरीन सरकारी नौकरी जिसका सपना हर एक बालक देखता है हर एक बच्चा देखता है अपना मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा भाई जवाब फटाफट से जवाब सांसद अच्छा जी संसद ठाकुर साहब ने जवाब दिया संसद बेटा तू कर देगा जवाब मुझे पता है मुझे बहुत सारी चीजें मैंने खुद पर्सनली पढ़ाई है सैनो वाले ग्राफ सैनोग्राफर वाले बैच का अपना स्टूडेंट है ठीक है जी और भाई कोई गलती हो जाए ना तो माफ कर दिया कर भाई प्लीज ठीक है ना ऊपर नीचे हो जाए कोई चीज़ तो चलिए भाई आप विमल जी विशाल जी भी कह रहे हैं रोहित शर्मा जी कह रहे हैं हाँ सानू जी कह रहे हैं काजल मीणा जी कह रहे हैं उमेश मोंडाल जी कह रहे हैं चलिए भाई देखते हैं सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है संसद बहुत बढ़िया भाई सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है संसद पार्लियामेंट ठीक है जी सवाल का जवाब है संसद पार्लियामेंट अब वो पूछेगा भाई इसके बारे में संविधान में कहां लिखा है तुझे कैसे पता चला मतलब मुझे कैसे पता चला और कोई आपको बोले तेरे को कैसे पता चला तो आप जवाब दोगे भाई मेरे सर ने मुझे पूरा पढ़ा है कहां लिखा हुआ है आर्टिकल 138 में कहां लिखा हुआ है आर्टिकल 138 138 में लिखा हुआ है कि आप पार्लियामेंट मतलब संसद आप सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकारों को बढ़ा सकता है क्षेत्र अधिकारों को बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट के ठीक है जी जैसे आर्टिकल नंबर थर्टी है ना थर्टी में लिखा हुआ है रिट्स के बारे में और ये रेट्स किसके लिए उपचार करते हैं फंडामेंटल राइट के लिए तो इनको भी बढ़ाया जा सकता है भाई बट वो कौन बढ़ाएगा तो आप जवाब दोगे सर बढ़ाएगा पार्लियामेंट और कौन से आर्टिकल में लिखा है तो आप जवाब दोगे सर आर्टिकल है 138 क्लियर बहुत बढ़िया भाई बहुत सही आर्टिकल है 138 बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने के लिए बस लास्ट में माइनस करते रहना भाई आंसर चलिए भाई ये सवाल भी हल्का सही है आसान सही है मैंने पढ़ा रखा है ये सवाल भी बहुत सारी जगहों पर आप जवाब दे दीजिए हाँ जो भारत की करेंसी है भारत की मुद्रा है उस पर कुल कितनी संविधानिक भाषाएं मौजूद हैं ऑन इंडियन करेंसी टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस आर देयर जल्दी से बताइए भारत की मुद्रा भारत की करेंसी पर कुल कितनी संविधानिक भाषाएं मौजूद हैं? हैं? सत्रह सोलह पंद्रह या बाईस करो भाई ट्राई आर्टिकल बताया अवतार अंबेडकर साहब आर्टिकल बताया मैंने 138, 138, मैंने 32 बताया वो बताता है मौलिक अधिकारों के उपचारों के बारे में बहुत बढ़िया बच्चा आंसर कर रहा है सत्रह बच्चा आंसर छठे का आंसर ए अंजलि कुमारी जी कह रही है ए अंजलि का जवाब है ए बस ए चलिए भाई आगे बताइए बहुत बढ़िया बहुत सही जा रहे हो <coughs> भाई गला वाला ठीक होता है ना फिर अपने आप फ्लो निकलता है बताइए भाई जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट से जवाब दीजिए जल्दी से देखते हैं भाई बहुत बढ़िया पंद्रह सत्रह बाईस बहुत बढ़िया अंजलि कश्यप जी ने आंसर किया है अंजलि कश्यप जी ने आंसर किया है सोलह बहुत अच्छा बच्चा बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल तो पढ़ लो क्या पढ़ा रहा हूं आपने ध्यान दिया सवाल पे मैंने क्या पढ़ाया मैंने बोला भारत की मुद्रा भारत की जो मुद्रा है भारत की जो करेंसी है उस पर कुल कितनी संवैधानिक भाषाएं है मौजूद हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज पूछा है टोटल नहीं पूछा भाई मैंने मैंने पूछा है कुल कितनी संवैधानिक भाषाएं मौजूद हैं ठीक है जी आ, यशार शर्मा जी मैंने पूछा है कितनी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज तो आंसर है सोलह आप बोलोगे कैसे तो मैं बोलूंगा पलट के देख नोट को पलट के देख पंद्रह भाषाएं लिखी हुई हैं नोट को पलट के देख पंद्रह भाषाएं लिखी हुई हैं और आप अच्छी तरह जानते हो कहाँ कहाँ प्रिंट होते हैं नोट ठीक है जी मध्य प्रदेश और कोलकाता कहाँ कहाँ प्रिंट होते हैं वो आप उससे बेहतर जानते हो ठीक है जी और मैंने बोला आगे देख मैंने बोला आगे देख एक तरफ लिखी हुई है हिंदी और एक तरफ लिखी हुई है अंग्रेजी इंग्लिश और भाई इंग्लिश कब से हो गई भारत की संवैधानिक भाषा तो पंद्रह और एक ये तो आंसर क्या हो गया सोलह जवाब क्या हो गया सिक्सटीन सोलह भाषाएं है मौजूद हैं भाई ठीक है जी आशा करता हूँ सवाल अब पकड़ पाए पाएंगे आप बहुत बढ़िया अब जवाब है सिक्सटीन देखते हैं भाई आज तुम्हारे कितने सवालों के जवाब ठीक होते हैं मैं देखना चाहता हूँ भाई कि यदि मैं सवाल मुश्किल बना के लाऊं तो कितना जवाब दोगे यदि पूछ जाए संवैधानिक तो सोलह यदि पूछ जाए टोटल यदि पूछ जाए टोटल तो आंसर होगा सत्रह जरा कमेंट करके बताइए जो भारत की करेंसी पर नया सिंबल है रुपये का जो भारत की करेंसी पर नया सिंबल है रुपये का वो देने वाले बॉय का क्या नाम था वो देने वाले लड़के का क्या नाम था सवाल बताइए जल्दी से जो भाई भारत की करेंसी पर जी, जल्दी से कमेंट करके बताइए जो भारत की करेंसी पर न्यू सिंबल है रुपी का न्यू सिंबल है रुपी, रुपी का वो देने वाला कौन है उसका नाम क्या है भाई न्यू सिंबल जो है रुपी का वो देने वाला कौन है उसका नाम क्या है बहुत बढ़िया उदय कुमार आई 2010 की बात है नाम क्या है उदय कुमार भाई ये स्टैटिक के तरीके से डील होगा नाम क्या है उदय कुमार और ईयर कौन सा है 2010 बहुत बढ़िया यही है भाई एग्जाम का पैटर्न ऐसे ही पढ़ाता है वो भी जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही वो सवाल बनाएगा बहुत बढ़िया उदय कुमार 2010 न्यू सिंबल दिया था चलिए जी आगे चलते हैं और देखते हैं और देखते हैं एग्जामिनर क्या बोल मतलब एग्जामिनर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है चलिए भाई आ जाइए अगले सवाल पे भाई इसकी हिंदी कहाँ चली गई एक सेकंड रुकिए भाई चलिए जी आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है सातवें नंबर का मैं हिंदी लगाता हूं एक सेकंड दीजिए बस आप सवाल का जवाब देखिए जल्दी से बताइए सवाल का जवाब क्या होगा हिंदी की जरूरत है काम चल जाएगा जरा बता दो भाई बताइए भाई सवाल का जवाब क्या होगा जल्दी से फटाफट फड़ से बताइए आपके सामने नया सवाल है हिंदी चाहिए या काम चल जाएगा भाई हाँ हिंदी चाहिए जल्दी से फटाफट वड़ से देखिए भाई आपके सामने अगला सवाल है वो कह रहा है हु इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया वो कह रहा है हु इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया वो कह रहा है हु इज द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया जवाब है आपके सामने देखिए भाई मैं समझाता हूं आपको ये सवाल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट बोल रहा है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट की बात कर रहा है भाई एक चीज याद रखना इस सवाल का जवाब क्या है एडवोकेट जनरल इस सवाल का जवाब क्या है एडवोकेट जनरल जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए यदि यह पूछा होता कि भारत का अगर यह सवाल पूछा होता इंडिया का लॉ ऑफिसर कौन सा है तो क्या आंसर होता जल्दी से बताओ भाई इंडिया का हाइएस्ट लॉ ऑफिसर अगला सवाल बताइए इंडिया हाइएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है भारत का सबसे बड़ा कानून का जानकार इंडिया लॉ ऑफिसर भारत का सबसे बड़ा कानून का जानकार कौन है जल्दी से ये बताओ भाई फटाफट से बताओ ये बात जल्दी से फटाफट से बताइए भाई ये वाला पॉइंट बताइए भाई जल्दी से सवाल का जवाब बताइए आपने जवाब दे दिया सवाल का जवाब है एडवोकेट जनरल भाई लगा दी तुम्हारी हिंदी महाधिवक्ता जवाब क्या है महाधिवक्ता आर्टिकल बताओ भाई महाधिवक्ता का आर्टिकल क्या है जल्दी से देखिए भाई आर्टिकल याद करने के लिए क्या ट्रिक है आर्टिकल याद करने के लिए क्या ट्रिक है देख लो मैंने बोला छिहत्तर में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल छिहत्तर में क्या लिखा हुआ है तो आप जवाब दोगे सर छिहत्तर में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल छिहत्तर में क्या लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल छिहत्तर में जोड़ दो एटी नाइन छिहत्तर में जोड़ दो भाई एटी नाइन छिहत्तर में एटी नाइन जोड़ दो कितना आएगा तो आप बोलोगे यहाँ से आ जाएगा सात और क्या आ जाएगा वन सिक्सटी सेवन वन सिक्सटी सेवन में क्या लिखा हुआ है महाधिवक्ता के बारे में वन सिक्सटी सेवन में क्या लिखा हुआ है महाधिवक्ता के बारे में लगा दी भाई तुम्हारी हिंदी ठीक है ना मैं भूला नहीं था भाई तुम्हारी हिंदी लाना चलिए भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जो आपको जिता सकता है एक बहुत ही बेहतरीन सी सरकारी नौकरी सवाल का जवाब दे दो यार मैं चाहता हूं इस सवाल का जवाब आप बिल्कुल क्लियर क्लियर शब्दों में दो इस सवाल का जवाब हाँ 76 सिक्स प्लस एटी नाइन भाई वन सिक्सटी फाइव ठीक है जी मैंने वहां पे एड गलत कर दिया वन सिक्सटी फाइव एक सौ पैंसठ नहीं मैंने ऐड गलत कर दिया भाई वन सिक्सटी फाइव ठीक है जी मैंने ऐड ऑन गलत कर दिया सेवेंटी सिक्स प्लस एटी नाइन अपना हो जाएगा वन सिक्सटी फाइव बस याद रखना भाई एटी नाइन ही ऐड करना है मैं ट्रिक पढ़ा दूंगा आपको हाँ वन सिक्सटी फाइव जी वन सिक्सटी फाइव एक सौ पैंसठ मैंने ऐड गलत कर दिया अगला सवाल बताइए भाई हाँ मैंने ऐड गलत कर दिया भाई देख लो तुम्हारे चक्कर में क्या क्या हो रहा है मैथ्स का दुरंदर आदमी मैथ्स की कैलकुलेशन भूल गया चलिए जी अगला सवाल का जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर आठ वो कह रहा है द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट याद रखना भाई यहां पे एक टर्म लिखी हुई है स्टेट यहां पर टर्म लिखी हुई है भाई स्टेट लिखा हुआ है राज्य बार बार मैं बोल रहा हूं यहां पे टर्म लिखी हुई है राज्य यहां पे केंद्र नहीं लिखा हुआ यूनियन नहीं लिखा हुआ स्टेट लिखा हुआ है छह महीने डिपेंड्स ऑन गवर्नर ऑकि सरकार जी कह रहे हैं राज्यपाल पर निर्भर करता है हाँ वन होगा भाई मैंने एड गलत कर दिया मैंने बोल तो दिया मैं उन टीचरों में से हूं भाई गलती होगी सामने स्वीकार लूंगा यह बात ना अच्छी तरह समझिए देखिए भाई मैंने बोला जैसे कि होता है भाई मानसून सत्र जैसे हो गया मानसून सेशन और अपना हो गया एक विंटर सेशन जैसे हो गया मानसून सेशन और एक हो गया एक विंटर सेशन या फिर आप मान लीजिए भाई अपना हो गया बजट सत्र या फिर हो गया अपना बजट सेशन मैं कह रहा हूं भाई जो दो सेशन है जो दो सेशन है उनके बीच में मैक्सिमम जो कब मतलब इंटरवल है वो कितना हो सकता है तो आप जवाब दोगे सर मैक्सिमम इंटरवल उन दोनों के बीच हो सकता है छे महीने सिक्स मंथस ठीक है जी मैक्सिमम इंटरवल कितना हो सकता है छ महीने सिक्स मंथ चाहे वो बात हो स्टेट की या फिर चाहे वो बात हो अपना सेंटर की तो सवाल का जवाब क्या है बहुत नहीं भाई गवर्नर पे डिपेंड नहीं करता आंसर है छह महीने सिक्स मंथ है आंसर ठीक है जी आसान सवाल था डायकल हो गया आंसर है छह महीने ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर आठ का अपना जवाब है ऑप्शन नंबर ए ठीक है जी क्वेश्चन नंबर आठ का अपना जवाब है ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया भाई चलिए आगे चलते हैं चलिए भाई आगे सवाल है आपके सामने करिए भाई इस सवाल को भी ट्राई और ये भी पूछूंगा भाई मैं पहली बार कब यूज हुआ था और अभी कब यूज हुआ है कौन से केस में जल्दी से फटाफट से बताइए भाई इंडिया बोरो मेथड ऑफ क्यूरेटिव पैटेशन फ्रॉम विच कंट्री वो कह रहा है भारत ने किस देश से क्यूरेटिव पैटेशन का तरीका लिया है और अपनाया है जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से ट्राई कीजिए भारत ने किस देश से क्यूरेटिव पैटेशन का तरीका लिया है अपनाया है जल्दी से क्यूरेटिव पैटेशन का तरीका कहां से लिया है क्वेश्चन नंबर नौ जापान क्या है भाई सवाल का जवाब बहुत बढ़िया कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं भाई जैसे कि बच्चा जवाब दे रहा है पूजा नायक जी ने जवाब दिया है आंसर है यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जवाब क्या है भाई ऑप्शन नंबर ए यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है जी याद कर याद रखना पहली बार क्यूरेटिव पैटेशन पहली बार क्यूरेटिव पैटेशन का तरीका जो था वो यूज किया गया था सन दो में पहली बार क्यूरेटिव पैटेशन का तरीका यूज किया गया था सन दो दो में केस था रूपा हुर्रा वर्स अशोक हुर्रा था रूपा हुर्रा वर्स अशोक हुर्रा डायवोर्स केस था भाई रूपा रूपाज अशोक ठीक है जी और अभी क्यूरेटिव पैटेशन का इस्तेमाल किया गया है भाई अपना निर्भया केस में ये सवाल इंपॉर्टेंट है इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना भाई यदि करंट वाली पॉलिटी उठाएगा ना तो निर्भया के केस में यूज किया गया क्यूरेटिव पैटेशन एक जो भाई वो कल्पित था मतलब जो वो था जिसने वो क्राइम किया था उसने उसके वकील ने यूज किया था क्यूरेटिव पैटेशन ठीक है जी आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट भी क्यूरेटिव पैटेशन क्या होता है एक वीडियो लेकर आऊंगा उसमें समझाऊंगा ठीक है जी बड़ा मुद्दा है क्यूरेटिव पैटेशन बड़ा मुद्दा है बड़ा टॉपिक है क्यूरेटिव पैटेशन क्या होता है जरा कमेंट करके बताओ भारत ने आर्टिकल्स का तरीका कहाँ से लिया है जरा कमेंट करके बताओ भारत ने आर्टिकल्स जो संविधान में आर्टिकल लिखे हुए हैं अनुच्छेद जो संविधान में लिखे हुए हैं वो तरीका भारत ने कहाँ से लिया है ऑप्शन यही चारों हैं जल्दी से बताइए कमेंट करके भाई हाँ जी मैं क्योरिटी पेडिशन बताऊंगा बट उसके लिए भाई एक अलग पूरी की पूरी क्लास लगेगी लगभग आधे घंटे का टॉपिक है जल्दी से बताइए कि भारत ने आर्टिकल्स का तरीका किस देश से लिया है यूएसए से यूके से जापान से या फिर अपना साउथ अफ्रीका से भाई सेम ही सवाल है बस मैंने ये कर दिया प्रशांत शर्मा जी ने कल भी मांगा था भाई प्रूफ बच्चा बी आर अम्बेडकर साहब ने ना एक बार अपने इंटरव्यू में ये बात बोली थी मतलब जब ये आर्टिकल 356 यूज हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर ये आर्टिकल को एड ऑन मत करो बट बीआर बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला कि भाई ये आर्टिकल जो है वो सबसे बेहतरीन होगा बट जो सामने एक व्यक्ति बैठे थे बाबू जगजीवन राम उन्होंने बोला ये शून्य साबित होगा संविधान का शून्य जीरो ठीक है जी मैं आपको बायोग्राफी ला दूंगा उसमें पढ़ लेना मैं मैंने बहुत पढ़ रखा है भाई मैं थ्री फिफ्टी टू के बारे में क्या बोला थ्री फिफ्टी सिक्स के बारे में क्या बोला और भी बहुत सारी चीजें बोली गई बहुत कुछ बता दूंगा अलग आर्टिकल्स कहां से लिए हैं सारे गलत हो तो भाई तुम सारे गलत हो तुमने सबने जवाब गलत दिया है ऑप्शन यही है चारों और आंसर क्या है जापान भारत ने आर्टिकल्स का तरीका कहां से लिया है जापान से भारत ने आर्टिकल्स का तरीका कहां से लिया है जापान से। से भाई मेरी क्लास से भागने से बेनिफिट नहीं होगा नुकसान तुम्हारा ही होगा इसीलिए जितने थे चौदह पंद्रह सौ वापिस आ जाओ जल्दी से तो आंसर क्या है जापान है जापान की कैपिटल टोक्यो आंसर है जापान जापान की कैपिटल टोक्यो और टोक्यो दुनिया की सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेशन वाली जनसंख्या वाली राजधानी है ठीक है जी पॉपुलेशन वाली राजधानी है आंसर है जापान, जापान जी, जपान है भाई आंसर इतने आसान नहीं होते भाई एग्जामिनर के सवाल और इतने आसान नहीं होते मेरे सवाल भी चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए द कोरम द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर मैंशन इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो कह रहा है संसद और राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन की बैठक का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। वो बोल रहा है कि भाई जो बैठक करवाई जाएगी ना सदन की जो बैठक करवाई जाएगी चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो अपना विधानसभा हो चाहे अपना परिषद तरीके से देख लिया जाए उस बैठक का कोरम क्या होगा मतलब उसमें कम से कम कितने मेंबर्स मौजूद होने चाहिए यह कोरम वाला सवाल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में यह कोरम वाला सवाल बहुत बार पूछा गया है बस मैंने थोड़ा मुश्किल बना दिया और आर्टिकल पे डाल दिया हेमंत मिश्रा जी ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए अंजलि कुमारी जी भी कह रही हैं ए आ, निशु जी भी कह रही हैं और भाई और कोई भाई ये कृष्ण ये तो किसी ने देखो भाई सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखो सबसे पहले भाई ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो देखो भाई आप बोल रहे हो कोई बच्चे ने आंसर किया बी भाई ये देख बी ये रहा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 में क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और 214 क्या बताता है हाई कोर्ट के बारे में भाई एलिमिनेट तो कर ले 214 क्या बताता है हाई कोर्ट के बारे में उसके बाद देख ये लिखा है एक सौ क्या बताता है फाइनेंस बिल के बारे में ये क्या बताता है भाई फाइनेंस बिल के बारे में बताता है ठीक है जी तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए आप बच गए दो ऑप्शन और उसके बाद तीसरा ऑप्शन उठा ये क्या बताता है स्पेशल प्रोविजन विशेष अधिकार वित्तीय बिल से संबंधित स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल नंबर 117 और 207 ये 207 हो गया स्टेट का और ये हो गया भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ठीक है जी क्या बताता है स्पेशल प्रोविजन क्या बताता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्पेशल प्रोविजन ऑफ फाइनेंस बिल क्या बताता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ फाइनेंस बिल के बारे में तो भाई तीनों के तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए भाई तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो जवाब क्या है हंड्रेड और एटी नाइन क्या बताता है कोरम के बारे में हंड्रेड में लिखा हुआ है कोरम अपना संसद का मतलब पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा का और वन एटी नाइन में लिखा हुआ है अपना विधानसभा का कोरम ठीक है जी कोरम लिखा हुआ है यहां हो गया अपना वन बाय टेन एक बड़ा दस ठीक है जी कोरम के बारे में सवाल समझ आ गया बहुत बढ़िया बहुत सही चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं भाई दो हजार लाइक तक तो पहुंचा दो क्या कर रहे हो चलिए भाई आपके सामने अगला सवाल है वो बोल रहा है ज्वाइंट सिटिंग इन विधानसभा और विधान परिषद इन विच आर्टिकल बताना जरा भाई मैंशन इन विच आर्टिकल वो कह रहा है कि भाई विधानसभा और विधान परिषद की ना साथ में बैठक करवाएंगे मतलब ज्वाइंट सीटिंग करवाएंगे क्या करवाएंगे तो आप बोलोगे सर जी ज्वाइंट सीटिंग करवाएंगे ज्वाइंट सीटिंग करवाएंगे विधानसभा और विधान परिषद की तो मैंने बोला इस ज्वाइंट सीटिंग के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है जरा कमेंट करके बता दो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई अगला सवाल ज्वाइंट सिटिंग के बारे में कौन से आर्टिकल में है भाई और अच्छी तरह पढ़ लेना भाई ज्वाइन सीटिंग के बारे में क्या पूछा है वो जल्दी से भाई अगला सवाल जल्दी से देखो कर लो भाई नॉलेज चेक देख लो आज फटाफट फड़ से जल्दी से जवाब दीजिए भाई वो बोल रहा है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में संयुक्त सभा विधानसभा विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद कौन सा है कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है भाई जल्दी से आर्टिकल 110, आर्टिकल 108। अच्छा हेमंत मिश्रा जी कह रहे हैं आर्टिकल 108 में आर्टिकल 108 में कह रहा है भाई बच्चा अच्छा 108 में है नॉट पेंशन एक सौ सही है भाई सही जा रहे हो आर्टिकल 118 ठीक है जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत सही चल रही है आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है कि आप सवाल तक को पढ़ के राजी नहीं हो कि क्या पढ़ा रहा हूं भाई आप सवाल तक को पढ़ के राजी नहीं हो भाई वो पढ़ा रहा है कि विधान परिषद और विधानसभा का ज्वाइंट सिटिंग के बारे में कहा लिखा है भाई विधानसभा और विधान परिषद की ज्वाइंट सिटिंग होती ही नहीं है विधानसभा विधान, विधान परिषद की ज्वाइंट सिटिंग होती ही नहीं है तो आंसर क्या है नॉट मैंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन भाई सवाल तो देख लो वो बोल रहा है विधानसभा और विधान परिषद की ज्वाइंट सिटिंग के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा और मैं जवाब दे रहा हूं भाई कि इन लोगों की ज्वाइंट सिटिंग होती नहीं है भाई इनकी ज्वाइंट सिटिंग ठीक है जी इनकी ज्वाइंट सिटिंग होती नहीं है तो संविधान में लिखी कैसे होगी आंसर है नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर डी है आंसर और यहां पे लिखा होता अगर लोकसभा प्लस राज्यसभा तो आंसर होता अनुच्छेद 108 और 118 आंसर होता अनुच्छेद एक सौ आठ और एक सौ अठारह क्लियर नहीं लिखा हुआ भाई नॉट पेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर समझ आ गया आशा करता हूं दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी एक सौ आठ में लिखा हुआ है राष्ट्रपति बुलाता है 108 में लिखा हुआ है प्रेजिडेंट बुलाता है ज्वाइंट सिटिंग और एक सौ अठारह में लिखा हुआ है कि लोकसभा स्पीकर उसे चेयर करता है एक सौ अठारह में लिखा हुआ है लोकसभा का सभापति उस मीटिंग को चेयर करता है अध्यक्षता करता है उसकी क्लियर भाई यहां तक का सवाल समझ आ गया चलिए आगे चलते हैं जी अगला सवाल देखते हैं भाई अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर मतलब आपके बोर्ड पर है जल्दी से बताइए भाई अगले सवाल का जवाब जल्दी से अगले सवाल का जवाब बताइए और भाई डरने की बात नहीं है ठीक है जी भागो मत तुम भाई डर के सवाल देके निकल रहे हो अब पढ़ना तो पड़ेगा ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि तुम पढ़ोगे नहीं सवाल अगर एग्जाम में मुश्किल ही आएंगे भाई आसान नहीं आने वाले चलिए और शेयर करते रहो भाई हजार प्लस रखो चलिए अगला पॉइंट बताइए वाइस प्रेसिडेंट हु डाइड ड्यूरिंग हिज जॉब टेन और वो कह रहा है कौन सा उपराष्ट्रपति था जो अपने कार्यकाल के दौरान मर गया था जिसकी मृत्यु हो गई थी जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति था जो अपने कार्यकाल के दौरान मर गया था उसकी मृत्यु हो गई थी ऐसा कौन सा था जिसकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी मर गया, थी, गया था चटक जी कह रहे हैं जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन बहुत बढ़िया बहुत सही भाई आसान सवाल है ये तो ये तो आसान सवाल है इसका जवाब तो सब दे दोगे भाई कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसकी देहांत हो गया था कार्यकाल के दौरान ठाकुर साहब कह रहे हैं कृष्णकांत मैं पढ़ लो सवाल ढंग से भाई क्या कौन सी डोज ले ली सवाल तो देख लो क्या पूछ रहा है वाइस प्रेसिडेंट पूछ रहा है भाई उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट पूछ रहा है वो कह रहा है कौन सा उपराष्ट्रपति था जो अपने कार्यकाल के दौरान मर गया था आंसर है भाई कृष्ण कांत ऑप्शन नंबर बी आंसर है कृष्णकांत ऑप्शन नंबर बी और ये प्रेसिडेंट वाला है भाई ये राष्ट्रपति वाला है ये सवाल राष्ट्रपति पर है भाई जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति थे जो मर गए थे और उपराष्ट्रपति कौन था जो मर गया था वाइस प्रेसिडेंट कौन था तो आप जवाब दोगे वाइस प्रेसिडेंट था कृष्णकांत कौन से ईयर में था तो आप जवाब दोगे सर 1997 से लेकर 2002 तक अपने कार्यकाल खत्म होने से जस्ट पहले इनका देहांत हो गया था अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले जस्ट इनका देहांत हो गया था और यदि जीरो बने ना मार्क्स तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जीरो ही बने भाई तुम्हारे मार्क्स ताकि तुम आगे से क्लास लेने ज़्यादा से ज़्यादा हो समझ आ जाए भाई तुम्हें कि पढ़ना पड़ेगा मजाक नहीं चल रहा यहाँ पर चलिए भाई अगले सवाल का जवाब दीजिए वो कह रहा है सबसे ज्यादा समय के लिए लोकसभा का सभापति कौन रहा सबसे ज्यादा समय के लिए लोकसभा का अध्यक्ष सभापति कौन रहा बहुत बढ़िया हां जी कृष्णकांत सवाल एसएससी में आ रखा है भाई एसएससी सीजीएल में सवाल आया था कृष्णकांत वाला एसएससी सीजीएल का सवाल है और भाई याद रखना जो सवाल सीजीएल में आएगा वो एमटीएस में भी आएगा और वही सवाल पूछा जाएगा अपना ग्रुप डी में भी एन में भी आएगा यूपी के एग्जाम में भी आएगा तो हर एग्जाम के लिए भाई क्लास रेहलिवेंट है जल्दी से जीवी मावलंकर कहा है भाई किसी ने बलराम जाकर कह रहा है कोई ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भाई कोई ए आयंगर जल्दी जल्दी ट्राई करो ठाकुर साहब कह रहे हैं बलराम जाकर इन्होंने निकाला है भाई सी प्री निकाल के बैठे हैं वंदना जी कह रही है ऑप्शन नंबर ए चलिए भाई मैं बताता हूं सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है बलराम झाकर सबसे ज्यादा समय तक स्पीकर कौन रहा तो आप जवाब दोगे भाई सबसे ज्यादा समय तक स्पीकर रहे बलराम झाकर वो ये नहीं पूछता कि पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार बनी बाबू जगजीवन राम की बेटी थी वो रेलवे मिनिस्टर थे वो डेप्यूटी पीएम थे ये नहीं पूछेगा भाई कम से कम इतना पूछेगा एग्जाम में दो करोड़ फॉर्म भरे गए हैं कई सारी नौकरियों के तो बलराम झाकर है आंसर ठीक है जी सवाल समझ आ गया सबसे ज्यादा समय तक स्पीकर कौन रहा बलराम जाकर यदि पूछ जाए फादर ऑफ लोकसभा यदि पूछ जाए लोकसभा का जनक फादर ऑफ लोकसभा फादर ऑफ लोकसभा लोकसभा का जनक तो टिक कर देना जीवी मावलंकर यदि पूछ जाए फादर ऑफ लोकसभा तो जीवी मावलंकर यदि पूछ जाए लोकसभा का पहला सभापति स्पीकर तो भी टिक कर देना जीवी मावलंकर यदि पूछ जाए लोकसभा का पहला उपसभापति उप स्पीकर मतलब डेप्यूटी स्पीकर तो टिक कर देना ए आयर क्लियर एक सवाल में इतने सारे सवाल बना दिए और हजार प्लस रखो भाई दूसरे टीचर भी आएंगे ठीक है जी थाउजेंड प्लस रखो प्लीज और तुमसे सवाल टिक नहीं हो रहे तो भाई भागोगे थोड़ी एग्जाम में नहीं होगा तो देना थोड़ी छोड़ दोगे यार चलिए अगला सवाल बताइए वो बोल रहा है गांधी जी की फोटो नोट पर पहली बार कब छापी गई गांधी जी की फोटो नोट पर पहली बार कब छापी गई गांधी जी की फोटो नोट पर पहली बार कब छापी गई सेशन को शेयर कर दो भाई ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे दूसरे अध्यापक भी आएंगे कुछ देर में ठीक है जी टाइम पीरियड क्या था बच्चा तीन बार बने थे अब बताओ ठीक है जी जल्दी से अगला पॉइंट फटाफट से अगला पॉइंट और बेटा कम से कम इक्कीस बाईस सौ तेईस सौ के आसपास छोड़ना लाइक पे चलिए भाई अगला बताइए फोटो ऑफ महात्मा गांधी प्रेजेंट ऑन इंडियन करेंसी भारत की जो मुद्रा है उस पर करेंसी कब से छपी स्किप स्किप कर दिया भाई एक बच्चे ने स्किप इनको स्किप करना भी मैंने सिखाया है कि भाई ना आए तो स्किप कर दिया करो सवाल का जवाब है 1987 सवाल का जवाब है 1987 सबसे पहले कौन से नोट पर छपी 500 के नोट पर सबसे पहले कौन से नोट पर छपी 500 के नोट पर छपी महीना कौन सा था अक्टूबर का महीना था भाई महीना कौन सा था अक्टूबर का महीना था ठीक है जी अब भाई इतना भी नहीं पूछेगा क्या कि गांधी जी की फोटो पहली बार कब छपी कौन से नोट पर छपी तो आप जवाब दोगे सर 500 के नोट पर छपी था 1987 और आप कमेंट्स में कमेंट करके बताओगे गांधी जी की फोटो से पहले भारत की मुद्रा पर कौन सा चिन्ह था कौन सा सिंबल था ठीक है जी चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे दोगे वो बोल रहा है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एन जैक वो कह रहा है एन जैक का संबंध किस अनुच्छेद मतलब किस संशोधन से और एनजैक की फुल फॉर्म क्या है जल्दी से बताइए भाई एनजैक की फुल फॉर्म क्या है और एनजैक का संशोधन कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है वो जल्दी से फटाफट से भाई एनजैक का संबंध कौन से संविधान संशोधन से और फुल फॉर्म क्या है एनजैक एनजैक से पहले इंट्रोड्यूस किया गया था जैक जैक का बिल था वन नंबर का इंट्रोड्यूस किया गया था सन 2013 में बिल था 100 नंबर 120 नंबर का बिल प्रेजेंट करवाने वाली सरकार थी मनमोहन सिंह साहब की और बिल पास नहीं हो पाया था क्योंकि सरकार गिर गई थी चलिए भाई जल्दी से फटाफट फड़ से एनजैक द फुल फॉर्म ऑफ एंड अमेंडमेंट रिलेटेड टू एनजैक बहुत बढ़िया भाई ये जैक ना मैंने इतना औसम पढ़ा रखा है आप पे तीन दो घंटे में पढ़ा रखा है भाई और केसेस के बारे में थ्री जजेस केसेस के बारे में सीजीएल में सवाल पूछा गया था पहली स्टैंडिंग कमेटी कब बनाई गई 1993 में इससे रिलेटेड थी सवाल का जवाब क्या है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सवाल का जवाब क्या है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन निन्यानवे व संविधान संशोधन कब से लागू किया गया तो जवाब दोगे लागू हुआ एक जनवरी दो एक जनवरी 2015 को लागू हुआ एनजैक और क्या बना निन्यानवेवा संविधान संशोधन और आपको जान के हैरानी होगी आपको जान के हैरानी होगी अक्टूबर 2015 में ही इसी के आसपास डिसीजन हुआ और एनजैक को हटा दिया गया संविधान से एनजैक याद रखना भाई ठीक है जी हाँ जी एनजैक को हटा दिया गया संविधान से रिमूव कर दिया गया निन्यानवे संविधान संशोधन को सवाल कहां पूछा गया दो सीपीओ में सवाल कहां पूछा गया 2018 सीपीओ में एनजेक का अमेंडमेंट पूछा था क्लियर बहुत बढ़िया भाई बहुत सही चलिए जी अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए जी अगले सवाल का जवाब दे दीजिए व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्रेसिडेंट यह एक आसान सवाल है इसका जवाब मैं आशा करता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे दे पाएंगे जल्दी से भाई सेशन शेयर करते रहो भाई दूसरे टीचर आने वाले हैं प्लीज ताकि उनको अच्छा एक बच्चा मिले कम से कम चलिए भाई जल्दी से फटाफट से ट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्रेजिडेंट राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु कितनी है बताइए भाई राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु कितनी है इज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्रेजिडेंट एनजे बहुत बढ़िया भाई जल्दी से बता दो भाई सवाल का जवाब एनजैक तो आपने कर लिया रिटायरमेंट एज बता दो 58 एट ईयर सिक्सटी फाइव और नो एज लिमिट आसानी से कर दो भाई दो नंबर तो मिल जाएंगे अगर कटे नहीं तो तुम्हारे तो सवाल का जवाब क्या है नो एज लिमिट ठीक है जी भारत में राष्ट्रपति बनने की कोई एज लिमिट नहीं है आप जितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई समस्या नहीं है मिनिमम एज कितनी है तो आप बोलोगे सर मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए पैंतीस साल थर्टी फाइव की एज होनी चाहिए कम से कम पैंतीस साल आपकी आयु होनी चाहिए बहुत बढ़िया भाई बहुत सही नो एज लिमिट चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं चलिए जी अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं द ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेजिडेंट द ऑर्डिनेंस ऑफ द ऑर्डिनेंस इश्यू बाय प्रेजिडेंट इज़ एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ जल्दी से बताइए राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किस अवधि के लिए लागू रहता है ये टॉपिक भाई मैं पढ़ाऊंगा आपको कंप्लीट ये टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा ऑर्डिनेंस वाला भी इस पर थोड़ा सा डिटेल में काम करेंगे बस आप जवाब दे दो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग जवाब दे दो बट इसका जवाब कुछ और भी होगा वो मैं ही समझाऊंगा आपको कि इसका कुछ और जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई फटाफट फड़ से क्वेश्चन नंबर सत्रहवें का जवाब क्या है जो राष्ट्रपति अध्यादेश पास करता है अनुच्छेद 113 को इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस पास करता है भाई सबसे ज़्यादा समय तक ऑर्डिनेंस पास रहा था बिहार में उन सब चीज़ों पे कभी चर्चा करेंगे 213 में राज्यपाल पास करता है ऑर्डिनेंस गवर्नर गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करता है दो सौ में और प्रेजिडेंट करता है एक में सवाल का जवाब बता दो कितने महीने तक उसका ऑर्डिनेंस फोर्स में रहेगा जल्दी से कितने टाइम तक फोर्स में रहेगा यह बात ध्यान रखना यह सवाल मैं आपको दोबारा जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि यहां पे जो ऑप्शन है उसमें सवाल का जवाब है छह महीने मंथ बट यहां पर डिप्लोमेटिक हो जाएगा मैं आपको ना इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कैसे सवाल का जवाब क्या है ऑप्शन नंबर बी अच्छी तरह काम करेंगे किसी देश के ऊपर ठीक है जी चलिए भी सवाल का जवाब मिल गया आर्टिकल भी याद रखना आर्टिकल है अपना एक सौ तेईस नंबर का आर्टिकल है मैं आशा करता हूं बहुत बढ़िया लग रहा होगा आपको सवालों का जवाब क्लियर चलिए जी आगे चलते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई चलिए जी सवाल यह भी आसान है लास्ट के क्वेश्चन आसान रखे थे ताकि तुम्हारे दस बारह नंबर बन जाए चलिए भाई अगला सवाल बताइए हु वॉज द फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भारत के पहले गैर गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन से थे भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे वॉज द फर्स्ट नॉन पोलिटिकल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे आसान सवाल है जल्दी से जवाब दे दो भाई बहुत बढ़िया सवाल का जवाब है ए पी जे अब्दुल कलाम साहब सवाल का जवाब है अपना भाई ए पी जे अब्दुल कलाम साहब बहुत बढ़िया भाई सवाल का जवाब मिल गया एपी जे अब्दुल कलाम साहब इनके नाम पर व्हीलर आईलैंड का नाम बदल के क्या कर दिया गया व्हीलर आइलैंड का नाम बदल के क्या कर दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया व्हीलर आइलैंड का नाम बदलकर क्लियर तो चलिए भाई आगे चलते हैं यह सवाल का जवाब बता दीजिए भाई आपके सामने अगला सवाल है और यह एक तरह से अपना लास्ट ही क्वेश्चन है इसके बाद दूसरे आपके टीचर आ जाएंगे भाई वो करवाएंगे जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए फटाफट फड़ से और भाई से, मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो कम से कम इक्कीसो का प्रसाद तो दे दो भाई जल्दी से भाई सेवेंथ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के सातवें उप प्रधानमंत्री कौन थे सेवेंथ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के सातवें उप प्रधानमंत्री कौन थे हुवंथ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया भाई लाल कृष्ण अडवाणी बहुत बढ़िया भाई बहुत सारे बच्चे सवाल का जवाब सही दे रहे हैं बहुत सही भाई बहुत सारे बच्चे सवाल का जवाब सही दे रहे हैं जवाब क्या है लाल किशन अडवाणी ठीक है जी लाल किशन अडवाणी है सवाल का जवाब ठीक है जी ये सवाल और कब बने थे 2002 में कब तक रहे 2004 तक रहे कब तक रहे 2004 तक आप कमेंट करके बताओगे छे के नाम और बताओगे छह डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और कौन थे उनका नाम आप कमेंट करके बताओगे ठीक है जी कमेंट में बताओगे आप उनका नाम कि कौन तो थे छह डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मैं आपको फोटो दिखा देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए पहचानना मैं आपको फोटो दिखा देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए पहचानना इन सभी का नाम आप कमेंट करके बताओगे कि ये कौन कौन थे ठीक है जी इन सभी का नाम आप कमेंट करके बताओगे कि कौन कौन थे चलिए सर आ जाइए जल्दी से ठीक है भाई इन सभी का नाम आप कमेंट करके बता देना कि कौन कौन थे ये भाई जल्दी से सेशन को शेयर कर दो होने hmm. जल्दी से भाई सेशन को शेयर कर दो आज सर का पूरा साथ दो अच्छी तरह तबी से ठीक है जल्दी से शेयर कर दो भाई हजार प्लस कर दो फटाफट वड़ से चलिए भाई मैं बहुत-बहुत आपसे विनती चाहूंगा अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जरूर बहुत-बहुत थैंक यू आने के लिए जय भारत जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर थैंक यू सो मच थैंक यू सर हेलो गाइस तो आपका जियोग्राफी का टेस्ट अब स्टार्ट होने जा रहा है ध्यान रखना फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने और ढंग में साराओं के आंसर देना जो भी आपको दिक्कत बनेगी वो मैं कंप्लीट करा के लेके चलूंगा ठीक है बिल्कुल ठीक से आप आंसर देना बिल्कुल सही सही कुछ गलत ना पड़ जाए बस ये ध्यान रखना चलो क्लियर अब ये देखो पहले का इसमें कौन सा बैठता है आंसर आपके हिसाब से मालवा पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है मना करके चल रहा है नो करके चल रहा है मालवा प्लेचू डज नॉट मेक अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश इनमें से कौन सा बैठेगा बताइए इनमें से कौन सा बैठेगा इनमें से ठीक है ढंग से बताना कुछ भी गलत ना कर देना कृपया करके ठीक है गुड इवनिंग मैम सर चल कंफ्यूज हो रहे हो कुछ लोग सही दे रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसमें देखो सिंपल सी बात है भाई सबसे ज्यादा हमें पता है ये मालवा प्लेचू का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है ध्यान रखना मालवा प्लेचू का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे पड़ता है क्लियर बात है सबसे ज्यादा तो ये एमपी में लाई करता है सबसे ज्यादा तो एमपी में हो गया फिर राजस्थान में ये हिस्सा थोड़ा सा ध्यान रखना राजस्थान में जिसको वहां पे हड़ौती का पठार बोल देते हैं राजस्थान में इसको नया नाम दिया गया है हड़ौती का पठार ठीक ध्यान रखोगे उसके बाद आता है गुजरात में थोड़ा सा ये हिस्सा यहां से थोड़ा सा ज्यादा नहीं गुजरात के अंदर ये भी करता है बट महाराष्ट्र में नहीं करता ये क्लियरली यहां पर ये हो जाएगा इसका आंसर कि मालवा का पठार महाराष्ट्र में नहीं है कई बार आपके एसएससी एग्जाम ने पूछा है ध्यान रखना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे ठीक है ध्यान रखना फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे चलो निम्नलिखित चोटी में से कौन सबसे अधिक है इनमें से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है फॉलोइंग से कौन सा मिलेगी नंदा देवी नंगा पर्वत गॉडविन या कामेत तुम्हारे हिसाब से इसमें कौन सी बैठती है बताओ बताइए इसमें से कौन सी बैठेगी ठीक ठीक बताना कुछ भी गलत ना कर देना क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आते ही है ठीक है ध्यान रखना हेमंत मिश्रा बहुत बढ़िया सर उसके बाद आते हैं कुछ लोग सी वाले भी है कुछ डायरेक्ट के टू बोल रहे हैं गुड इवनिंग मैम सर ध्यान रखना क्लियर दो का सी सबका सही ही जा रहा है देखो भाई आप इसको कैसे भी पता लगा सकते हो आ, हमें पता है हिमालय की जो रेंज होती है भाई सबसे ऊपर जो रेंज है ट्रांस वाली उसमें बहुत ऊंची-ऊंची मिलती हैं। गॉडविन हिमालय की काराकोरम में मिलती है ट्रांस हिमालय की काराकोरम में मिलती है गॉडविन ऑस्टिन इसको के टू भी बोल देते हैं बट ये है कहां पीओके के अंदर कहां है ये पीओके के अंदर अगर पीओके हमारे भारत का हिस्सा हो जाता है ठीक है तो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी गॉडविन ऑस्टिन अगर पीओके हमारा हिस्सा नहीं है तो हमारी ध्यान रखना कंचन जंगा ही सबसे ऊंची मानी जाएगी पेपर में ठीक है ध्यान रखना वो लिख के देगा जबी भी देगा तो इसमें कौन सी हो गई ऑस्टिन। आप ये कामेत नंदा देवी और नंगा पर्वत देख रहे हैं ये सब की सब किस में आती हैं ध्यान रखना ग्रेट हिमालय का पार्ट है ये ग्रेट हिमालय का ठीक है इतनी बात ध्यान रखोगे तो ये नहीं है इतनी ऊंची और गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8611 मीटर आप ये भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे ठीक है 8611 मीटर है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बैठता है क्वेश्चन नंबर थ्री यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे हिसाब से ठीक है हिमालय के निम्नलिखित में से कौन सा भाग तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में देखो इसको तुमको यही क्लियर कर दूंगा आप आंसर देना सोचो हिमाद्री पूर्वी हिमालय कुमाऊ हिमालय मध्य हिमालय ये क्या कह रहा है तुम इतने सोचो मैं देखता हूं इधर इधर देखो अब सोच के बताओ इसमें से फिर मैं बताता हूं कि कौन सा बैठता है कह रहा है यह कुछ बात बोल रहा है कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा हिमालय आएगा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सी और बी के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं सी बहुत लोगों का आंसर आ रहा है सी नहीं होना चाहिए ध्यान रखना इसमें से कौन सा आंसर आएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर कुछ लोगों का सी जो आ रहा है ना वो गलत है ठीक है चलो बताता हूं देखो पहले इसको डिवाइड करो रेंजों में ठीक ध्यान रखना सिंधु और सतलुज के बीच में ये पंजाब हिमालय आता है जिसको बोल देते हैं पंजाब हिमालय ठीक है ये किसने बांटे थे ऐसे सिडनी बुर्राड ने सिडनी बुर्राड ने बांटे थे ध्यान रखना सिडनी बुर्राड ने क्या पन, पहले आ गया यहां पे पंजाब हिमालय ठीक है फिर सतलुज ध्यान रखना सतलुज और काली के बीच में कुमाऊ हिमालय ठीक है कुमाऊ हिमालय पड़ गया ध्यान रखोगे उसके बाद काली और तीस्ता के बीच में ध्यान रखना ये आ गया लघु मध्य इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं उत्तर हिमालय उसके बाद काली ध्यान वो तीस्ता हो गई तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा आया ईस्टर्न हिमालय यानी कि पूर्वी हिमालय आया ध्यान रखोगे अब भी है क्लियर ठीक ऐसे किसने बांटे थे सिडनी बुर्राड ने बांटे थे तो पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे ठीक है चौथे क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नागालैंड और म्यांमार के बीच में है वह वर्डिंग देखना आगे कह रहा है नागालैंड और म्यांमार के बीच में से इनमें से कौन सा है डाफला अबोर नागा या ध्यान रखना अरा कन येमा कौन सी बैठती है इनमें से बहुत बढ़िया अब आया समझ में बी कोई बात नहीं अगर ना होता ना आता समझ में तो अब हो गया बी ठीक है उसका अब इसमें बताओ कि इसमें कौन सा बैठता है ठीक है बताओ इसमें कौन सा बैठता है ठीक तुम्हारे हिसाब से एक कह रहे हैं नागा हिल्स कुछ कह रहे हैं नागा हिल्स ठीक है ध्यान रखना इसको अभी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा इसकी ध्यान रखना ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ये कह रहा है नागालैंड और म्यांमार नागालैंड यहां पे पड़ेगा हमारा राज्य कौन सा पड़ेगा नागालैंड यहां पर पड़ेगा ध्यान रखना नागालैंड जो पड़ेगा और इधर म्यांमार की सीमा छू रही है इससे पूरी ठीक है ध्यान रखना अब डाफला और अबोर डाफला और अबोर और इसके साथ में मिशमी भी ले लो ठीक है ये तो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं तीनों की तीनों ये तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में आती है यहां पर डाफला मिरी मिशमी अबोर वहां की रहने वाली जनजातियां हैं अरुणाचल प्रदेश की उन्हीं के नाम पर उन पहाड़ियों के नाम है नागा हिल्स नागा हिल्स जो है नागालैंड के अंदर ही है बट वो बॉर्डर पर नहीं है म्यांमार के साथ ध्यान रखना इसमें से अराकन योमा हो जाएगी ध्यान रखोगे डी इज राइट आंसर जिसका डी है वो ध्यान रखना डी वाला राइट आंसर मिलेगा इसमें क्लियर हो जाती है ध्यान रखोगे बहुत सारी नॉलेज गेन हो जाएगी ज्योग्राफी के अंदर इंडिया से भी और वर्ल्ड से भी ध्यान रखना इस क्लास के अंदर चलो उसके बाद आते हैं पांचवे क्वेश्चन के ऊपर ढंग से सोच के देना गलत ना कर देना और एस पूछती है और एस कई बार पूछती है इन चीजों को चलो चैनलों के रूप में एक मुख्य भूमि से जुड़ा संकीर्ण जल क्षेत्र जिसको कयाल कहते हैं के रूप में जाना जाता है भारत के किस राज्य में है? मतलब क्लियर सी बात है कि कयाल्स जो हैं हमारे कौन से स्टेट में पड़ते हैं कयाल या ध्यान रखना ज्यादातर लैगून से भी इसको कर देते हैं कयाल या लैगून इसको करके बोल देते हैं तो कयाल ज्यादातर किस स्टेट में है क्या हमारे कर्नाटका में है महाराष्ट्र में केरल में या तमिलनाडु में है बताइए इनमें इन से फिर मैं मैप से बताता हूं आपको ठीक है इनमें से कौन सा बैठता है ठीक है सर आज आप खुश हैं हाँ सर मैं खुश हूं <laughs> चलो ध्यान रखना इसमें से कौन सा बैठता है क्लियरली इसमें कौन सा बैठेगा तुमसे ये बोल रहा है देखो कयाल या लेगून का मतलब क्या है एक बार थोड़ी सी डेफिनेशन कई बार बता भी चुका हूं जो समुद्र का पानी थोड़ा सा ध्यान रखना समुद्र से पीछे हट जाए और बीच में कोई आइसलैंड बन जाए यानी कि एक झील टाइप बन जाए ध्यान रखना बीच में आइसलैंड हो गया एक द्वीप हो गया पीछे पानी है और मेन समुद्र आगे है तो वो कयाल बोले जाते हैं कयाल या झील ऐसे केरला के अंदर सबसे ज्यादा मिलेंगे हमको सीज़ राइट आंसर ठीक है केरला के अंदर सबसे ज्यादा आपने केरला की पुन मादा लेख सुनी है क्या पुन मादा ध्यान रखना पुन मादा लेख एक कयाल का ही एग्जाम्पल है उसमें नेहरू ट्रॉफी होती है हर साल ध्यान रखना नेहरू ट्रॉफी होती है नेहरू ट्रॉफी हर साल होती है ध्यान रखना जिसको वहां पर वल्लम कल्ली भी बोल देते हैं ध्यान रखना जो बोट रेस होती है ठीक है उसको वल्लम कली बोलते हैं ध्यान रखना वल्लम कल्ली ठीक है वहां की लैंग्वेज में वल्लम कली पुनमादा लेक लेख उसमें नेहरू ट्रॉफी किससे बोट रेस से यानी कि उसको वल्लम कल्ली बोलते हैं ध्यान रखोगे कोई दिक्कत हो यहां तक तो बता देना किरला आता है इसमें चलो नेक्स्ट पर आ जाओ पांचवा हो गया छठा कौन सा आता है हीराकुंड कुंड हाइडिल पावर स्टेशन किस नदी पर है हीराकुंड कुंड हाइडिल पावर स्टेशन किस नदी पर बनता है चंबल गंडक महानदी या सोनभद्र इनमें से कौन सा है देखो नाम से ही तुम पहचान जाओगे कि स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है हीराकुंड हाइडिल पावर लिखा हुआ है इसी से ही हमको पहचान जाना है कि ये कौन सी नदी की बात कर रहा है ठीक है ये कौन सी कौन सी नदी की बात कर रहा है बताइए बहुत बढ़िया महानदी बहुत बढ़िया ए बी डिविलियर्स भी देख रहे हैं साउथ अफ्रीका में भी चल रही है अपनी क्लास चलो बहुत बढ़िया ए और सी में है कुछ देखो सी से नहीं चंबल से हमको नहीं सोचना चंबल इसमें है ही नहीं हमें पता है कि जी छत्तीसगढ़ के अंदर महानदी का बहुत बड़ा रोल है जो छत्तीसगढ़ को दो पार्टों में डिवाइड कर देती है महानदी जब यह उड़ीसा में एंटर करती है तो इस पर हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर के आसपास अगर टोटल लंबाई देखें अगर सिर्फ जो डैम पानी पानी वाला इलाका है उसकी लंबाई देखें तो, अगर टोटल देखेंगे तो 26 ठीक है? पर पॉइंट पावर स्टेशन बांध पर ही बनाया हुआ उड़ीसा की जीवन रेखा बोली जाती है लेकिन जीवन रेखा अगर लाइफ लाइन की ऑफिशियल पूछेगा आपसे तो छत्तीसगढ़ के बारे में ही पूछेगा क्योंकि उड़ीसा में और भी कई नदियां जाती है जैसे कि रेखा ठीक है ध्यान रखोगे इतनी बात क्लियर चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ सातवां क्वेश्चन क्या कहता है सातवां क्वेश्चन क्या कहता है इसमें से भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा बताओ ढंग में सोचना कौन सा 28.38 नॉर्दर्न एंड 77.12 ईस्टर्न से संबंधित अक्षांश और देशांतर रेखा पर स्थित है यह लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात कर रहा है आपसे तो कौन सा है जो इतने पर है हमारा 28 और 77 पर लाइक करता है बताइए इनमें से कौन सा बैठेगा ठीक है बताओ किट्टू स्मार्ट सर स्मार्ट जी सर बहुत बढ़िया सर बताओ इनमें से कौन सा बैठता है इस क्लास से बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी एसएससी के लिए ठीक है इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको इसको एक बार और देखना ठीक चलो कुछ कह रहे हैं डी पढ़ रहे हो ढंग में पढ़ लो सोच लो बहुत बढ़िया रांची कुछ रांची कह रहे हैं कुछ डेली कह रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया कुछ जयपुर कह रहे हैं मतलब कंफ्यूज है देखो कई बार ये एसएससी ने रिपीट किया है हमको ये बिल्कुल गोट के पी जाना है ध्यान रखना इसका आंसर है दिल्ली दिल्ली हमारा 28 पर पड़ता है ध्यान रखना 28 और सतहत्तर पर ध्यान रखोगे जयपुर हमारा 26 के आसपास पड़ता है 28 पे नहीं पड़ेगा अगर हम लैटीट्यूड की बात करेंगे तो ये 28 पर नहीं पड़ता हमें पता है जो ये ग्लोब पर पड़ी हुई रेखाएं हैं इनको अक्षांश बोलते हैं है ना क्या बोलते हैं इनको अक्षांश लैटीट्यूड रेखाएं और ग्लोब पर जो ये खड़ी हुई रेखाएं हैं इनको क्या बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं ध्यान रखोगे देशांतर ठीक है इन दोनों को फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल देते हैं अगर फॉर्मूला कभी ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तब सीखना ठीक है अभी तो इतना ही ठीक ध्यान रखना चलो नेक्स्ट आता है आठवां क्वेश्चन इसको अच्छे से सोच के लगाना उत्तर से दक्षिण तक कश्मीर में ही निम्नलिखित में से कौन स्थान आते हैं उनको लगाइए ठीक है भाई नॉर्थ से साउथ लगाने हैं ये आपको कैसे लगाने हैं नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ लगाने हैं ये ठीक है ये स्थान आपको तो इनमें से कौन सा पहले पड़ेगा और सिर्फ कश्मीर के ही इलाके में पड़ते हैं ध्यान रखना कश्मीर में या इसको आप तुम पीओके में भी ऐड कर सकते हो या लद्दाख में भी ऐड कर सकते हो बट ये आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ इनको लगाइए कि कौन से बैठते हैं बताओ बताओ कौन सा बैठता है बहुत बढ़िया आर अपने दोस्तों को बोल दो कि ये क्लास चल रही है जिनको नींद के झटके आ रहे हो ठीक है बस क्लास ज्यादा देर की नहीं होगी मुश्किल से आधा पौना घंटा जाएगी ये ज्यादा नहीं जाएगी थर्टी टू क्वेश्चन तो है ही टोटल चलो उसके बाद आ गया एक ने दिया है तीन चार एक दो तीन चार एक दो बहुत बढ़िया थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन आंसर करेक्ट दिया यही तो चाहिए टाइम भी थोड़ा भाई ज्यादा नहीं ली पंद्रह सेकंड मुश्किल से ली लेकिन ठीक दे दिया देखो सबसे ऊपर गिलगित पड़ेगा पीओके के अंदर आता है वो ठीक क्या पड़ेगा पीओके के अंदर क्या आता है, है। यहां पर पड़ गया हमारा गिलगित उसके बाद कौन सा पड़ेगा करगिल ध्यान रखना करगिल यहां पर थोड़ा सा नीचे ठीक उसके बाद कौन सा पड़ेगा श्रीनगर श्रीनगर कहा यहां उसके बाद बनिहाल कहा पड़ेगा यहां तो हमारा सीक्वेंस बन गया ना कौन सा तीन चार एक दो तो हमारा इसमें से कौन सा हुआ सी इज करेक्ट ठीक है कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है आपने अच्छे से टैकल करना है ध्यान रखना चलो नेक्स्ट पर आते हैं नौवा क्वेश्चन क्या कहता है लोकटक झील कहां है ये तो हल्का होगा तुम्हारे लिए बताता हूं फिर इससे रिलेटेड लोकटक झील कहां पर है केरला उत्तरांचल मणिपुर या राजस्थान वेयर इज द लोकटक लेक केरला उत्तरांचल मणिपुर या राजस्थान तुम्हारे हिसाब से इसमें से कौन सा बैठता है सर हम भी सी दे रहे हैं हाँ सर मेरे को दिख रहे हैं आप भी सी दे रहे हैं चलो सर दोस्त फोटो शूट करने गए फोटोशूट से नौकरी थोड़ी ना मिलेगी मैम ज्योग्राफी तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी 13.4 बिलियन ईयर एगो जाना पड़ेगा और टिल नाउ तक हिस्ट्री क्या है आप 9000 साल से पहले उठा के पढ़ नहीं सकते हिस्ट्री को ठीक है या आप पॉलिटी को सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट से ही लेके चल सकते हो और ज्योग्राफी 13.5 बिलियन ईयर एगो से पढ़नी पड़ेगी आपको पूरा यूनिवर्स भी पढ़ना पड़ेगा ध्यान रखना वर्ल्ड भी और इंडिया भी तब जाके पेपर होता है मणिपुर ठीक है इसमें कौन सा बैठता है मणिपुर लोकटक झील कहां पर स्थित है मणिपुर के अंदर अब मणिपुर के अंदर भाई मणिपुर कहां नॉर्थ ईस्ट का ही है ठीक है मणिपुर कहां है ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट का ही इलाका पड़ता है मणिपुर के अंदर ये लोकटक झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है important. पता है ये वहां टूरिज्म का वर्क करती है किसका टूरिज्म का वर्क करती है पर्यटन का ठीक है ध्यान रखना जब से इसके आसपास इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगा दिए गए हैं वहां के आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है और अब वहां टूरिस्ट भी जाने कम हो गए क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ गया है इस लोकटक लेक में दुनिया का ध्यान रखना लोकटक झील में दुनिया का तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क भी है तैरता हुआ ध्यान रखना तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है ठीक है दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क ठीक है ध्यान रखोगे क्या नाम है उसका कैमुल लामजाओ नेशनल पार्क ध्यान रखना कैमुल लामजाओ ठीक है लामजाओ नेशनल पार्क इसमें तैरते हुए आइसलैंड पाए जाते हैं ऐसे तैरते हुए आइसलैंड पाए जाते हैं ठीक है इन तैरते हुए आइसलैंड को क्या बोलते हैं फूमडिस ध्यान रखोगे क्या बोलते हैं फूमडिस बोलते हैं तैरते हुए आइसलैंड को यह भी रिपीट हो चुका है केमुल नेशनल पार्क एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान है पूरे विश्व के अंदर ठीक है इसमें जो ये आइसलैंड तैरते हुए मिलते हैं इनको फूमडिस कह है देते हैं ध्यान रखोगे टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकटक झील मणिपुर क्लियर अब पेपर में आए तो बोलना नहीं ठीक है ध्यान रखना चलो नेक्स्ट एक सर आप भूगोल टीच करते हो हाँ सर मैं ज्योग्राफी टीच करता हूं एग्जामपुर ऐप पे ठीक है एग्जामपुर का जो ऑफिशियल ऐप है बट अब मैं यूट्यूब पे भी देने लगा हूं क्लासेस चलो कौन सी अफ्रीका नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है वर्ल्ड देख लेते हैं थोड़ा सा चल के भूमध्य रेखा को दो बार काट रही है बाई जीरो डिग्री की बात हो रही है इक्वेटर की ठीक है विच एफ्रीकन रिवर क्रॉसिस द इक्वेटर टू टाइम्स कौन सी काटती है इक्वेटर को जाहिर नील नदी सेनेगल या जैम्बेजी मुझे तो नील लग रही है तुम्हें क्या लग रही है इसमें से बताओ कौन सी लग रही है आ गलत कर दिया ना तो गलत ना कर दा बूस्टर बैच में भी स्टार्ट करूंगा जल्दी बूस्टर बैच में स्टार्ट करूंगा जल्दी चलो बहुत बढ़िया कांगो जाए रे भटके नहीं हाँ एक भटक गया एक वर्षा शर्मा मैम वो भटकी डी की तरफ जो भटकेगा पकड़ लूंगा ठीक है ध्यान रखना क्योंकि सारे डाउट आपके अगर इधर ही क्लियर हो गए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा अगर सारे डाउट इधर ही क्लियर कर दिए क्योंकि पेपर में वहां ऐसे यूं ना ताकते रहो तुम ऊपर को या दूसरे को के कोई बताई दे वो बोर्ड का एग्जाम नहीं है ठीक है और ना बताएंगे तो पहले तो दो नंबर वैसे ही गए पॉइंट फिफ्टी तुम्हारा वैसे गया अगर गलत किया तो तुमने ठीक है ना करके आए तो दो नंबर गए और करके आए गलत तो पॉइंट फिफ्टी और ठीक करके आए तो दो नंबर लेके तो आए ठीक है तो ये कह रहा है कि जायरे नदी इसमें है जो जायरे नदी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट ठीक है अफ्रीका महाद्वीप इसमें जीरो डिग्री ऐसे जा रही होती है बीचों बीच यहां पर कांगो रिपब्लिक पड़ता है कंट्री यहां पर कांगो पड़ता है और यहां अंगोला पड़ता है तीन कंट्री में ये बहती है ध्यान रखना जायरे नदी इसको कांगो नदी भी बोल देते हैं जाहरे नदी भी बोल देते हैं ठीक है अब कांगो नदी या जायरे नदी ऐसे ऊपर ऊपर को को चली फिर एक 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 बार 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 नीचे नीचे आई तो ये कट कट कर कर दो दो जाने पे, पे। आने इसने दिया जीरो डिग्री को क्लियर हो गई इतनी बात ठीक है अब नेक्स्ट ये यहां से कट करती हुई किधर गिर जाती है यहां अटलांटिक ओशियन में अटलांटिक महासागर में यह गिर जाती है ठीक है ठीक है इसको ठीक है ध्यान रखोगे इसके बाद अब आपसे पूछे क्या जी ये जो इलाका है यहां पर खेती होती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर देखो जायरे नदी का जो बेसिन है ना पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर सबसे ज्यादा खेती उसी में होती है और कांगो कंट्री को तो विश्व का चिड़ियाघर ही बोल देते हैं कांगो कंट्री पर ध्यान रखना यहां पर दो कंट्री है एक तो कांगो रिपब्लिक एक कांगो ठीक है यानी कि एक कांगो गणराज्य है जैसे कि हमारा देश है बहुत सारे स्टेटों का एक संघ है ना बहुत सारे राज्यों का ऐसी कांगो कांगो रिपब्लिक है है उसी के साइड में कांगो है, फिर अंगोला है इन तीनों कंट्रियों में यह बहती है क्लियर हो गई इतनी बात गिरती है ओशियन में ठीक है इधर अटलांटिक महासागर पड़ता है इधर जाके ये गिर जाती है ध्यान रखोगे कई बार पेपर में आती है और अपने को ये याद भी रखनी है चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आ जाओ दस क्वेश्चन हो गए हमारे हमने दस क्वेश्चन से काफी कुछ हमको सीखने को मिला है चलो नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है बताओ इसमें से स्वेज नहर भूमध्य सागर स्वेज का इस्तमस या सिनाई प्रायदीप इनमें से कौन से है मेरे को तो सिनाई लिख रहा है तुमको क्या लग रहा है ग्यारहवीं का विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट एफ्रीका फ्रॉम द यूरोप स्वेज कैनल मेडिटेनियन सी एथमस ऑफ स्वेज या सिनाई पेनिनसुला तुमको क्या लगता है बताओ इनमें से कौन सा है तुमको इसमें कौन सा हा ग्यारहवे का बी ग्यारहवे का बी कौन सा बिठेगा बताइए कुछ सी कह रहे हैं कुछ ए कह रहे हैं कुछ बी कह रहे हैं अच्छा एम भी है ऐसे थोड़ी ना चलेगी सही सही बता ना चलो हो गया तुम्हारा टाइम खत्म हो गया भूमध्य सागर लगेगा ठीक है देखो भाई हमको अभी अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनाया अफ्रीका कॉन्टिनेंट अफ्रीका महादीप इसके ऊपर पड़ेगा यहां भूमध्य सागर मेडिटेनियन सी भूमध्य सागर ध्यान रखना भूमध्य सागर मेडिटेनियन सी ऊपर कौन सा है यूरोप के कंट्री आ जाते हैं यूरोप के कंट्री आ जाते हैं ठीक है यूरोप के कंट्री आ जाते हैं ऊपर क्लियर हो जाती है बीच में भूमध्य सागर भाई सिनई प्रायदीप तो इधर पड़ता है मिस्र से जुड़ा हुआ है और सऊदी अरेबिया से जुड़ा हुआ है सिनई प्रायदीप प्रायदीप का मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हिस्सा तो वो एशिया और इसके बीच में है। ठीक है स्वेज 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 नहर भी स्वेज भी स्वेज का इस समय ये भी एशिया और एशिया और अफ्रीका को अलग करते थे तो इसमें से भूमध्य सागर हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर हो गई इतनी बात ध्यान रखना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आहा इसको देखता हूं कितने लोग सही बनाते हैं अगर गलत बनाया तो देख लेना गलत ना बनाता गलत ना बनाइ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गलत ना बनाना इसको अच्छे से पढ़ना एक एक बार निम्नलिखित में में कौन ध्यान 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 से एक को रखते हुए, रखना इसको में रखते हुए हुए रखना इसको ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो ध्यान रखना जिस पर एक ही देश है ठीक है एक देश भी है यह भारतीय और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है कह रहा है मुख्य भूमि के दक्षिण में जो एक आइसलैंड पड़ता है तस्मानिया वो एक पहाड़ी है पूरा उस पर पहाड़ है पूरे पर अब सोच के बताओ डंग में बताओ इसमें से कौन सा है डंग में बताइयो ठीक है एक स्पेन और मोरक्को हाँ वो स्पेन और मोरक्को के बीच में जो था ध्यान रखना वो जिब्राल्टर जलसंधि होती है वहां पे उसके ऊपर कभी क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे ठीक है बहुत बढ़िया एक कह रहे हैं बारह का बी सेकंड और थर्ड सेकंड और थर्ड कह रहे हैं आपको कौन सा लगता है डंग में देना कुछ कह रहे हैं सी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल आर राइट कुछ ए बी सी में कंफ्यूज हैं, अभी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी देखो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो एक देश भी है हां जी राइट है क्लियर बात है इतनी तो ठीक है उस महाद्वीप पर भाई पूरे के पूरा ये जो है इस महाद्वीप पर पूरे के पूरे पर ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना पूरे के पूरे पर यह ध्यान रखना कभी तुम न्यूजीलैंड को काउंट करते हो ध्यान रखना उसमें मत कर देना उसको ठीक है ऑन एशिया लगता है वो ठीक है न्यूजीलैंड अगर काउंट करोगे तो यह भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच में हां इधर तो इंडियन ओशियन है इधर पैसिफिक ओशियन है जिसको प्रशांत महासागर कह देते हैं ठीक कह रहा है मुख्य भूमि से अलग जो इसके साउथ ईस्ट में ये पड़ता है तस्मानिया जिसकी कैपिटल होबार्ट है ठीक है तस्मानिया उसकी कैपिटल होबार्ट है यहां पर यह इसी का एक राज्य है जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश है ना उत्तर प्रदेश हुआ या बिहार हुआ इसमें भी स्टेट है ठीक चार स्टेट अभी इसी स्टेट चार स्टेट चार है दो यूनियन टेरिटरी ध्यान रखना ठीक अभी इधर इसके स्टेट की क्या है होबार्ट कैपिटल तो ये पूरा पहाड़ी है बिल्कुल पहाड़ी द्वीप पर स्थित है पहाड़ी पर ही है और ये इसी का टूटा हुआ हिस्सा है ध्यान रखोगे तो इसमें सी इज राइट आंसर क्लियर हो जाती है नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर तेरा अब देखते हैं इसको कितने बनाते हो अच्छे से टैकल करना देखता हूं कितना इसको टैकल करोगे तुम लोग थोड़ा क्वेश्चन आएंगे अब डंग डंग के लेवल बढ़ने लगेगा ठीक है लेवल बढ़ने लगेगा सागर दे रखा है इधर और इधर महासागर का हिस्सा भाई एक महासागर में एक ओशियन में बहुत छोटे छोटे सी होते हैं छोटे छोटे सागर होते हैं जैसे कि हिंद महासागर में भाई अरब सागर आता है बंगाल की खाड़ी आती है बहुत सारे आते हैं ठीक है अब ऐसे ही इनमें सही मिलान करो तुम्हारे हिसाब से ए बैठता है बी या सी कौन सा बैठता है क्या कारा सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है क्या बेरिंग सागर साउथ पैसिफिक ओशियन का है अराफुरा आकर्टिक का है या लाल सागर हिंद का है तुम्हारे हिसाब से क्या बैठेगा इसमें बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या बैठेगा तुम्हारे हिसाब से क्या बैठेगा ठीक है एक कह रहे हैं बी को लॉक कर दो साहब पक्की बात है बी को लॉक कर दूं, पक्की बात है सोच लेना कुछ कह रहे हैं सी ए बी डी सी ए बी डी जो सी ए बी डी और बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका सही है बाकी सर का गलत पड़ जाता है ध्यान रखना इसमें कौन सा बैठता है ध्यान रखो भाई हमें पता है ये कारा सागर कहां पड़ता है आपने रशिया देखा है रशिया रशिया के ऊपर आकर्टिक पड़ता है आकर्टिक ओशन पड़ता है रशिया के ऊपर ध्यान रखोगे इसमें बहुत सारे सागर हैं जैसे कारा सागर पटेव सागर ठीक है ऐसे बहुत सारे ठीक है, है तो इसमें कारा सागर आकर्टिक का हिस्सा पड़ गया ठीक तो पहले का हो गया सी यानी कि हमें पहले का सी मिला उसके बाद बैरिंग सागर बैरिंग सागर है प्रशांत महासागर का हिस्सा इस साइड में मिलेगा बैरिंग सागर रशिया के इस साइड में बैरिंग सागर तो यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है इसको यह उत्तरी प्रशांत महासागर भी लिख के बोल सकता था क्यों क्योंकि जीरो डिग्री से ऊपर पड़ता है यह प्रशांत महासागर यहां पर उसके बाद कहता है अराफुरा सागर अराफुरा सागर तो दक्षिण प्रशांत महासागर का पे है आपने अभी-अभी ऑस्ट्रेलिया अभी वाला महाद्वीप देखा था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अराफुरा पड़ता है यहां पे न्यू गिनी आइसलैंड पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और न्यू गिनी के नीचे क्या है यहां पर ध्यान रखना अराफुरा सागर पड़ेगा तो इसमें कौन सा हो जाता है हमारा बी दक्षिण प्रशांत महासागर यहां पे है साउथ पैसिफिक जीरो डिग्री के नीचे है वो प्रशांत महासागर उसके बाद कहता है लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है हा रेड सी तो है ठीक है लाल सागर क्लियर सी बात है तो इसमें बी इज इस राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो तुमने आंसर बहुत बढ़िया दिया था थैंक यू सो मच पढ़ रहे हो इसका मतलब ठीक चलो नेक्स्ट अब क्या कहता है ये चौदहवें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चौदहवें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना निम्नलिखित पर विचार करें इनमें से कौन सा सही है सियाचिन, बोल्टारो, बियाफो, काराकोरम रेंज में ग्लेशियर है लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची जो माउंट है राकापोशी, वो दुनिया की सबसे तेज ढाल वाली चोटी भी है तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा इनमें से तुमको राइट लगता है ठीक है बताओ इनमें से कौन सा लगता है चलो इनमें से कौन सा लगता है तुम्हारे हिसाब से सही ठीक है चलो बताओ कौन सा लगता है इनमें से इसके बाद फिर आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं दो तीन तो डालने पड़ेंगे जो तुम्हें क्लियर करें एक कह रहे हैं भास्कर हेमंत ठीक है सर अनुज कुमार कह रहे हैं डी ओके सर डिविलियर साउथ अफ्रीका से कह रहे हैं सही है सर बिंदास और क्या है प्रिंसर ठीक है आकांक्षा मैम ठीक है उसके बाद रेशमा मैम ठीक जिसका है ना ये दोनों है हमें पता है देखो पढ़ा भी चुका हूं इनको तो सियाचिन बोल्टारो बियाफो और हिसपर काराकोरम रेंज में ही पड़ते हैं और काराकोरम का है ट्रांस हिमालय का पार्ट है ठीक है और काराकोरम इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवादित हिस्से में भी है यानी कि पीओके में भी काउंट होती है काराकोरम ठीक ध्यान रखोगे अब लद्दाख रेंज पे आ जाते हैं काराकोरम के नीचे लद्दाख रेंज अब लद्दाख रेंज की जो है ये कह रहा है सबसे ऊंची चोटी राकापोशी जो तेज ढाल वाली है हा ठीक है यानी कि इसकी ढाल बहुत तीखी है बहुत तीखी ढाल है उसका नाम क्या पड़ता है, है? राकापोशी ये लद्दाख में ही है बट लद्दाख ऑलरेडी खुद किसका काराकोरम का हिस्सा ध्यान रखना कई बार आपके पेपर में पूछ लेता है चलिए नेक्स्ट आते हैं पंद्रहवां पंद्रहवा कौन सा बैठता है देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया इसको इंग्लिश में दिखाता हूं तुम्हारे इंग्लिश में बढ़िया इसको टैकल करोगे देखो इसको अच्छे से सोचना अच्छे से मैच करना ठीक है कि इसमें कौन सा बैठेगा तुम्हारे हिसाब से बताओ देखो अभी अभी बताए थे ये कि पंजाब हिमालय क्या बिटवीन काली और तीस्ता के बीच में पड़ता है क्या ठीक है ध्यान रखना कि इनमें से कौन सा बैठता है कुमाऊ हिमालय सतलुज और काली के बीच में है नेपाल हिमालय बिटवीन तीस्ता एंड देहांग के बीच में है ब्रह्मपुत्र भी लिख सकते हो इसको देहांग का टेंशन ना लेना असम हिमालय बिटवीन इंडस एंड सतलुज के बीच में है तो तुम्हें इनमें से कौन सा सही लग रहा है बताओ सोच समझ के ढंग से सोच समझ के बताना कि इसमें कौन सा सही लगेगा ठीक है चलो बताओ इसमें से कौन सा लगता है तुम्हारे हिसाब से सही ठीक है बताओ एक कह रहे हैं डी हेमंत मिश्रा कह रहे हैं डी बी ए सी ओके डी बी ए सी तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है खुद सोच के बताओ भाई पंजाब हिमालय अभी अभी बताया था किसका हिस्सा था बिटवीन वो लाए किसके बीच में कर रहा था इंडस एंड सतलज तो एक का तो हो गया हमारा डी एक का पड़ गया हमारा डी अब नेक्स्ट देखो कुमाऊ हिमालय अगले वाला ही हिमालय किस किस के बीच में पड़ता था सतलुज और काली के बीच में तो हमारा दो का क्या हो गया हमारा बी अब थर्ड वाला ढूंढते हैं नेपाल हिमालय किसके बीच में पड़ता था ध्यान रखना इसमें से हमारा काली और तीसता तो ए हो गया तो अब तो हमारा मैचिंग बनी गया और फोर्थ का हमारा सी बचा ठीक है फोर्थ का तो हमारा सी बचा तीसता और ध्यांग के बीच में असम तो दिहांग या ब्रह्मपुत्र असम को असम उसमें ब्रह्मपुत्र को जो है दिहांग बोल देते हैं अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद ठीक ध्यान रखना तो इसमें सी इज राइट आंसर क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब तो हल्का सा आ गया इसको तो मीण दोगे तुम पकड़ के क्वेश्चन नंबर सोलह यमुना घाघरा गोमती कोसी सोन किसकी सहायक नदियां हैं गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु या यमुना की ये किसकी सहायक नदियां हैं तुम्हारे हिसाब से बताओ इसमें से कौन सा बैठेगा कौन सा इसमें से सही बैठेगा ठीक है यमुना घाघरा गोमती कोसी और सोन किस किस आयक बैठती हैं ठीक है बताओ ए इज राइट ओके बहुत बढ़िया ए वाले ठीक है मैम भास्कर ठीक है ए बी डिविलियर साहब ठीक है सर बहुत बढ़िया इसमें देखो क्लियर सी बात है हमारी जो गंगा है ध्यान रखना जब गंगा बह रही होती है भाई ये ऐसे करके गंगा है ध्यान रखना अब ध्यान रखना अब यहां से गोमती जिसके किनारे पर लखनऊ है ध्यान रखना गोमती भी इसके लेफ्ट साइड से आकर मिल गई ठीक है घाघरा भी मिल जाती है इसी में लेफ्ट से ही कोसी भी मिल जाती है इसमें यमुना इसके राइट से मिलती है और सोन भी इसके राइट right से ही मिलती है तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है सारी की सारी गंगा की क्लियर हो जाती है इतनी बात चलिए नेक्स्ट सत्रहवा क्वेश्चन क्या कहता है अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान में संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा के नाम से जानी जाती हैं। इन विच प्लेस डज अलकनंदा एंड भागीरथी ध्यान रखना कलफ्यूंस एंड देन द कंबाइंड वाटर करंट फ्लोज थ्रो द नेम ऑफ रिवर गंगा बताइए इनमें से कौन सा कहां पर ये दोनों अलकनंदा एंड भागीरथी मिलती हैं आकर इनमें से कौन सा बैठेगा अलकनंदा एंड भागीरथी वाला इलाका कौन सा बैठेगा ठीक है बताइए इसमें से कौन सा बैठेगा अलकनंदा एंड भागीरथी वाला इसमें देखो सारे ठीक बोल रहे हैं बट जो कुछ है ना बीबी बता रहे हैं भैया बी जो बता रहे हैं ना इलाहाबाद में तो कौन सी मिलती है यमुना और गंगा मिलती है यमुना और गंगा ऊपर नाम देखो आप अलकनंदा और भागीरथी लिखा हुआ है अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों कहां पर मिलती है देव प्रयाग यू के उत्तराखंड के अंदर ठीक है उत्तराखंड के अंदर ये मिलती है दोनों की दोनों और फिर ये आगे चलती है ध्यान रखना गंगा और ये जब वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है एक फरक्का जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल में फरक्का जगह पड़ती है वहां पर जाकर फिर गंगा दो भाग में बढ़ जाती है एक तो हुगली करके इधर को आ जाती है और भागीरथी करके आगे चली जाती है बांग्लादेश में फिर ये ध्यान रखना बांग्लादेश की तरफ चली जाती है वापस से भागीरथी नाम बन जाता है इसका ठीक फिर बांग्लादेश में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है ध्यान रखना पदमा फिर जमुना मिलती है ब्रह्मपुत्र से ठीक है फिर मेघना बन के किस में गिरती है बंगाल की खाड़ी में तो वो आगे की प्रोसेस है ध्यान रखोगे इतनी बात चलिए अब आता है अठारहवा क्वेश्चन क्या कहता है अठारहवा क्वेश्चन कहता है हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं ये जो आप करेवा की खेती देखते हैं ना वो हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय नेपाल हिमालय पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय इनमें से करेवा कहां पाए जाते हैं करेवा फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द हिमालया आर करेवा फाउंड इनमें से किसमें पाए जाते हैं बताओ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज नेपाल हिमालय पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय तुम्हारे हिसाब से कौन सा लगता है बताओ बताओ कौन सा लगता है बहुत बढ़िया कुछ लोग 18 का डी बोल रहे हैं और कुछ डायरेक्ट ए भी बोल रहे हैं गौर गरिमा यादव मैम ए नहीं है कुछ ए बोल रहे राम रावत सर ए नहीं है उत्तर पूर्वी हिमालय में नहीं ठीक है ये कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं देखो करेवा क्या है करेवा खेती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कैसे है ये देखो करेवा क्या है कि जब पहाड़ों की जो ये है ना पहाड़ों की जो सतह है ये जब ढह जाती है ध्यान रखना पीर पंजाल रेंज पड़ती है कहां पर जम्मू कश्मीर में वहां ज्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है जैसे पीछे ट्रांस हिमालय में थे या ग्रेट हिमालय में थे वो वाले पहाड़ नहीं है कश्मीर में पीर पंजाल वाले तो इनके जो साइड है वो ढह जाती हैं कट जाती हैं उनको ये लोग एक इक्वल लेवल में कर लेते हैं फावड़े वगैरह या ट्रैक्टर का यूज करके लेवल में करके उस पर क्या करते हैं करेवा खेती उसको बोलते हैं करेवा की खेती ऐसे खेती करना क्या होता है करेवा खेती इसको करेवा बोलते हैं वहां की लैंग्वेज में लेकिन इसमें उगाते क्या है केसर ठीक है इसमें ये केसर उगाते हैं सबसे ज्यादा करेवा खेती में जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज्यादा उगाया जाता है ध्यान रखोगे पेपर में कई बार पूछी जाती है भूलना नहीं है अपने को चाहे कुछ हो जाओ चाहे हाड़ टूट जाओ हमारे चलो नेक्स्ट उन्नीसवा उन्नीसवा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी अन्ना नीलगिरी अन्ना कार्डमम या नल्ला मल्ला तो इनमें से कौन से में दोदा बेटा ध्यान रखना इनमें से किसकी ऊंची चोटी दोदा बेटा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज दोदा बेटा पीक इज लोकेटेड बताइए इनमें से कौन सी नीलगिरी रेंज इसको यहां नीलगिरी लिखना ठीक है नीलगिरी नीलगिरी रेंज अन, अन्ना मलाई कार्डमम या मल्ला, इनमें से तुमको कौन सा लगता है गलती मत कर देना बताओ कौन सा है ऋषि मैम ठीक है मैम बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत, बहुत बढ़िया नीलगिरी सबका देखो हमको पता है ये हमारा पेनिनसुला नीचे यहां तीन पहाड़ियां पड़ती हैं पहले नीलगिरी दूसरी अन्ना मलाई ठीक है तीसरी कार्डमम कार्डमम या इलायची की पहाड़ी भी बोल देते हैं इसको ठीक अब इस कार्डमम पर क्या है ध्यान रखना नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा सेकंड दूसरी माकुर्ती नीलगिरी की ठीक है सेकंड ध्यान रखोगे पहली कौन सी है दोदा बेटा दूसरी माकुर्ती और अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमूडी जो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है छब्बीस पिचानवे मीटर अनाय ध्यान रखोगे आप क्लियर कार्डमम की पहाड़ी आ जाती है फिर तीसरे नंबर पर तो इसमें हमें कौन सा दोदा बेटा और माँ कुर्ती किसकी है सबसे ऊंची ऊंची चोटियां नीलगिरी पर ध्यान रखोगे और नीलगिरी पर ही साइलेंट वैली भी पड़ती है जो केरला की तरफ पड़ती है नीलगिरी पर ऊटी भी पड़ता है जो तमिलनाडु की तरफ पड़ता है उडमंगलम बोल देते हैं वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज में ठीक है पता चल गया ना नीलगिरी पर ऊटी पड़ेगा किधर की तरफ तमिलनाडु की तरफ नीलगिरी पहाड़ी पर ही केरला की तरफ साइलेंट वैली पड़ेगी जिसे शांत घाटी बोल देते हैं ठीक है ध्यान रखोगे उन्नीसवा हो गया बीसवा जापान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जापान की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताओ शिनानो यांग हुआंग हो या इर्तश इनमें से कौन सी है बताओ बताओ कौन सी है इनमें से जापान के या आइसलैंड्स है और इनकी सबसे लंबी नदी कौन सी पड़ी है बताओ इनमें से कौन सी है अगर भाई लोग क्या वैकेंसी आ गई है हाँ वैकेंसी तो आ भी गई फॉर्म भी भर गए पेपर ही पेंडिंग में चल रहे हैं अब पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे ध्यान रखना देखो कर गए ना यहां पर गलती करो हुआंग हो और हुआंग हो करो जो ए दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं लेकिन बाकी वांग हो कर रहे हैं वांग हो अंग यांग यांग तो चाइना के अंदर है ठीक है देखो देखो इसमें आएगी शिनानो शिनानो आप ये सबसे बड़ा वाला आइसलैंड देख रहे हैं इसका हमको पता है होकेडो हॉन्शो सिकोको और क्यूशू ये चार आइसलैंड है इसमें से सबसे ज्यादा अगर कचरा मिलता है तो वो इसी पर ही मिलता है सबसे बड़ी बड़ी चीज माउंट फिजी है तो इस पर ही है माउंट फिजी जो उसकी एक्टिव वॉलकैनो है सक्रिय ज्वालामुखी है वो इसी पर ही है टोक्यो क्योटो योकोहामा है वो भी इसी पर ही है बड़े बड़े उसके शहर ठीक ध्यान रखना और इतनी बात समझ में आई हिरोशिमा है तो इधर कई बार और शिनानो नदी भी यहीं पर ही है इसी पर पन, इसका जापान का सबसे बड़ा घास का मैदान क्वांटो भी है ध्यान रखना क्वांटो घास के मैदान को बोलते हैं जापान के अंदर क्वांटो वो भी यही है और शिनानो नदी जो जापान की सबसे बड़ी नदी है वो भी इसी आइसलैंड पर है इतनी बातें आइसलैंड से हमने जान ली पेपर में आती है सारी की सारी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जापान के पूर्व में कौन सा सागर है विच ओशियन लाइज इन द ईस्ट ऑफ जापान पूर्वी साइड में इंडियन पैसिफिक एटलांटिक आकर्टिक तुम्हारे हिसाब से कौन सा बैठता है चलो क्वांटो आइसलैंड बताओ क्वांटो ग्रासलैंड तो हो गए जापान के पूर्व में कौन सा महासागर है विच जापान इंडियन पैसिफिक एटलांटिक आकल्ट कौन सा लगता है तुम्हें सही सही बताना गलत ना कर देना चलो कौन सा लगता है फिर दोबारा से बता देता हूं ये आइसलैंड ये छोटा ये इतना बताओ इनमें से कौन सा है देखो सी और ए बता रहे हो तो बाकी पैसिफिक नाम भी लिख रहे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट पैसिफिक नाम भी लिख रहे हैं क्लियर देखो जापान के अगर आपसे पूछे वेस्ट साइड तो पड़ेगा जापान सागर अगर आपसे पूछे ऊपर नॉर्थ में तो पड़ेगा ओखोत्सक सागर ओखोत्सक जो रशिया का है ध्यान रखना ओखोत्सक सी अगर जापान के साउथ में पूछे तो ईस्ट चाइना सी ठीक है ईस्ट चाइना सी यानी कि पूर्वी चीन सागर हो गया जापान के इधर इधर जापान इधर कौन सा पड़ा पैसिफिक ओशियन पैसिफिक ओशियन ठीक है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर पड़ेगा ध्यान रखोगे तो इसमें ईस्ट साइड वाला ही तो पूछा था हमसे ईस्ट साइड तो हमारा कौन सा हो गया पैसिफिक ओशियन क्लियर हो गई कोई दिक्कत चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 सवाल और रह गए 21 हो गए तुम्हारे आ अब यह वाला क्वेश्चन सबसे बड़े से लेकर छोटे की तरफ जापानी आइसलैंड को लगाओ सबसे बड़े से लेकर छोटे की तरफ अगर पढ़ रखे हैं तो क्लियरली बता दोगे सबसे बड़े से लेकर छोटे की तरफ इनमें से कौन सा आता है ए बी सी डी में से कौन सा आता है इनमें से, इन से बताओ तुम्हारा कौन सा सही बैठेगा बताओ एक, एक को लॉक कर दो एक को इसमें लॉक कर दू चलो बताना बेशक टाइम ले लो टाइम ले लो लेकिन सही बताना ठीक है बहुत बढ़िया इसमें कौन सा बैठेगा ढंग से बताना कुछ ए बोल रहे हैं कुछ बी बोल रहे हैं कुछ सी बोल रहे हैं कुछ डी बोल रहे हैं कंफ्यूज है मतलब सारे कंफ्यूजन अभी निकल जाएगी एक सेकंड में ध्यान रखना कैसे देखो कुछ सी भी बोल रहे हैं तो कंफ्यूज है चलो कोई नहीं देखो ये है इसके चार आइसलैंड बड़े बड़े ठीक है ये है चार सबसे ऊपर पड़ेगा होकेडो ध्यान रखना ये फिर क्या हो गया हॉन्शू ये हो गया इसका सिकोकू ये हो गया क्यूशू ठीक ध्यान रखोगे आपको ध्यान रखोगे दो नाम तो एच से ही बनते हैं एच एच एस के या एच एच के एस खत्म ध्यान है क्या ना होकेडो सबसे बड़ा ये वाला ध्यान रखना दूसरे नंबर पर ऐसे नंबर डाल लो एक दो तीन और चार सबसे बड़ा दूसरा फिर सबसे छोटा कौन सा है तीसरा अब देखो सबसे बड़ा लगाओ आप पहले हॉन्शू को ले लो फिर सेकंड पे कौन से को लोगे आप होकेडो को ले लो फिर तीसरे पे आप कौन से को लोगो क्यूशू को और फिर सिकोकू कौन सा बैठता है इसमें बताओ इसमें से कौन सा बैठता है ऐसे बताइए अब तो समझ गए हॉन्शु बड़ा है अब कौन सा है हॉन्शु होकेड क्यूशू और सिकोकू बताओ इसमें कौन सा बैठेगा डी बैठेगा ना अब आगे समझ में क्लियर डी इज राइट आंसर चलो नेक्स्ट पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर तेईस किस बेसिन को छत्तीसगढ़ मैदान भी कहा जाता है कौन से बेसिन को छत्तीसगढ़ मैदान कहा जाता है महानदी गोदावरी कृष्णा या कावेरी बताओ इसमें से कौन सा माना जाता है किस बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदान भी माना जाता है महानदी गोदावरी कृष्णा या कावेरी ठीक लगाना इस बार गलत ना कर देना ठीक है ठीक ठीक लगाना गलत ना कर देना बिल्कुल बीक ना कर देना ठीक ऑप्शन अच्छा इसमें डी होगा ये क्या बोल रहा है छत्तीसगढ़ मैदान और तुम कहां जा रहे हो डी की तरफ अच्छा अब हो इस वाले पे, पहले वाले का आंसर दे रहे थे बट इसमें भी कुछ थोड़ा सा गलत दे रहे हैं कुछ बी कह रहे हैं गोदावरी देखो ये है छत्तीसगढ़ ध्यान रखना छत्तीसगढ़ का मैप कुछ ऐसे पड़ता है छत्तीसगढ़ का ऊपर कौन सा ज्यादातर एक प्लेचू है पठारी इलाका पड़ेगा नीचे दंडकारने का पठार पड़ेगा दंडकारने का पठार बीच में जो ये मैदान देख रहे हैं ना ये महानदी ने बनाया है महानदी ने इसको छत्तीसगढ़ मैदान भी बोल देते हैं ये सारा इलाका ठीक है ध्यान रखोगे आप क्लियरली इसमें महानदी ऑप्शन हो जाएगा ध्यान रखना यहां पर चावल की खेती राइस की खेती सबसे ज्यादा होती है क्लियर हो गई इतनी बात किस चीज की खेती होती है राइस की चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चौबीसवा निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी नदियों से संबंधित नहीं है क्या बोल रहा है ये कौन सी एक हिमालय की नदी नहीं है बस एक बतानी है तो इसमें आएगी ब्रह्मपुत्र कावेरी या गंडक बताओ मुझे तो गंडक लग रही है हिमालय की गंडक ही नहीं लग रही तुम, तुमको कौन सी लगती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू हिमालयन रिवर्स तुमको इसमें से कौन सी लगती है बताओ इसमें से तुमको कौन सी लगती है बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी नदी से संबंधित नहीं है ब्रह्मपुत्र कावेरी अलकनंदा या गंडक कौन सी है ठीक बतइयो गलत ना बताइयो अब एक कौशल सैनी सर गंडक की कहने लगे कावेरी है ठीक है आंसर कावेरी है बी भाई हमको पता है ब्रह्मपुत्र तो ब्रह्मपुत्र तो ऊपर से आती है ना कैलाश मानसरोवर के पास से निकलकर चलती है ठीक है अलकनंदा तो भी ऊपर से ही आती है ध्यान रखना ध्यान रखोगे इतनी बात हिमालयी नदी अलकनंदा भागीरथी में से अभी पड़ी थी गंडक तो हिमालय का पार्ट है गंडक से ही निकल के आती है गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों नेपाल से ध्यान रखना उसके बाद कौन सी बची कावेरी कावेरी तो यहां साउथ इंडिया में है यहां पर ध्यान रखना ब्रह्मगिरी की पहाड़ी बाबा भूदान की पहाड़ी भी वही है ब्रह्मगिरी भी वही है और ध्यान रखना कुद्रे मुख की चोटी भी वही है वहीं से ही निकल कर चलती है कावेरी और कहाँ गिर जाती है बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो इसमें यहाँ हिमालय नीचे थोड़ी ना हिमालय तो ऊपर ही था तो इसमें बी आंसर राइट हो जाएगा क्लियर हो गया जी ठीक है ध्यान रखोगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ नेक्स्ट चंबल का उदय कहां से होता है चंबल कहां से निकलती है 25वां क्वेश्चन चंबल कहां से निकलती है सात आठ क्वेश्चन और रह रहे हैं अब तो चंबल कहां से निकलती है देवास धार खरगोन या महू कहां से निकलती है चंबल अच्छे से सोचना कि ये कहां के जिले हैं पहले तो ये ध्यान देखना फिर देखना चंबल इनमें से निकलती कहां से है ये तुमको कहां के डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं वेयर डज द चंबल राइज देवास धार खरगोन या महू कहां से निकलती है चंबल बताओ आंसर सही देना गलत गलत मत दे देना भास्कर कह रहे हैं देवास अच्छा कुछ कह रहे हैं और डी कुछ कुछ धार जिला कह रहे हैं आपने रिवर नहीं पढ़ी थी क्या जब मैंने रिवर पढ़ाई थी रिवर पढ़ाई थी बहुत अच्छे से आपने पढ़ी नहीं क्या जिन्होंने पढ़ दी है वो तो आंसर ठीक दे रहे हैं या कहीं और से पढ़ी होंगी वो भी आंसर सीधे बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो नहीं दे पा रहे हैं ध्यान रखना ये है महू आएगा महू ध्यान रखना महू डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश मऊ मत लगाना मऊ है यूपी में महू है मध्य प्रदेश में ये मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है महू से चंबल नदी निकलती है ध्यान रखना महू से क्लियर बात अब ये निकल के किधर को चली ध्यान रखना मालवा प्लेचू भी पड़ता है मऊ की तरफ में वहीं से निकल के चली और ये थोड़ा सा पहले तो मध्य प्रदेश से चली ये राजस्थान में कोटा के पास गई फिर वहां से एंटर हुई वापस मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास और इटावा के पास जाकर यमुना में मिल गई ध्यान रखोगे चंबल नदी किस लिए भी फेमस है ध्यान रखना बैडलैंड एरियाज के लिए भी उत्कात भूमि गहरे गड्ढे बनाती है ध्यान रखना बीहड़ भी बनाती है बीहड़ आपके पेपर में बीहड़ भी लिखा आ जाएगा या उत्कात भूमि आ जाएगा उत्कात भूमि लिखा हुआ आ जाएगा या बैड लैंड भी लिखा आ जाएगा ठीक है इसलिए भी ये फेमस है ठीक है चंबल घाटियां बनाती है ध्यान रखना बीहड़ गड्ढे बनाती है समझ गए महू कहाँ पर ठीक है महू कहां पर एमपी के अंदर से निकलती है और इसके बारे में यह पूछता है ज्यादातर चंबल के, के कोटा इसके किनारे पर है राजस्थान के या नहीं हां है है क्योंकि ये थोड़ी सी राजस्थान में एंटर कर जाती चलिए ध्यान रखोगे इतनी बात नेक्स्ट क्वेश्चन लिए महानदी पर कौन सा बांध है अगेन एक क्वेश्चन आया है अब की बार कंफ्यूज मत हो जाना पहले तो हो गए थे महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है इनमें से बताओ भाखड़ा हीराकुंड नागार्जुन सरदार सरोवर इनमें से कौन सा महानदी पर बनाया गया है बांध बताइए महानदी पर इनमें से विच डैम इज बिल्ट ऑन महानदी कौन सा महानदी पर बनाया गया है बताओ जी सर कोटा है हाँ जी मैम गलत मत कर दियो इस बार बिल्कुल भी भूल के भी मत कर देना गलत हाँ हाँ ठोक दिया इस बार तो मीट दिया कतई दे दे के मारा बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया आंसर बहुत बढ़िया बिगट आंसर इसमें कौन सा आता है कौन सा आता है हीराकुंड हीराकुंड अभी अभी बताया था डैम हमारे इंडिया का सबसे लंबा डैम है और ये उड़ीसा के अंदर है ध्यान रखोगे ये महान ये जो महानदी है छत्तीसगढ़ के चली छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी पड़ती है वहां से निकलकर चलती है और तकरीबन 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है महानदी की फिर ये महानदी जब उड़ीसा के अंदर हीराकुंड डैम बनाती है और फिर आगे जाके कटक और भुवनेश्वर के पास से होकर और कहा बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है हीराकुंड रखोगे इतनी बात क्लियर हो जाती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां उत्तर सहयाद्री के त्रियम्बक पठार से कौन सी भारतीय नदी निकलती है विच इंडियन रिवर राइस फ्रॉम त्रियंबक प्लेचू ऑफ नॉर्थ सहयाद्री पहले तो ये सोचो सहयाद्री क्या है यह सूसरा ठीक है फिर ये देखो यु त्रिबंग त्रियंबक नामक ये क्या पठार है क्या जगह है ये सोचो फिर जाओ इन नदियों के ऊपर तब तुम्हारा आंसर बनेगा ढंग का बताओ ठीक है चलो बताओ कौन सा बनेगा तुम्हारा आंसर ठीक आना चाहिए त्रियम्बक के हिसाब से गलत मत कर देना कृपया करके ठीक है गलत ना कर दियो बिल्कुल भी गलत ना कर दियो ठीक है चलो आ सूद दिया एक कह रहे हैं कृष्णा नदी नहीं कृष्णा नहीं सोच लो और बाकी तो सब सही दे रहे हैं देखो इसमें कौन सा आता है देखो हमारा ये वाले जो पार्ट है ना वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट जो गुजरात में ताप्ती नदी के साउथ से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है इसको बोलते हैं पूरे को सहयाद्री पूरे को क्या बोलते हैं सहयाद्री ठीक है अब ये कह रहा है उत्तर सहयात्री यानी कि नॉर्थ सहयाद्री यानी कि ऊपर का इलाके की बात कर रहा है वहां पर त्रियंबक एक जगह पड़ती है त्रियंबक प्लेचू ठीक है त्रियंबक ऊंची नीची भूमि है उसको प्लेचू का नाम दे दिया है ध्यान रखना यहीं से कौन सी नदी निकलेगी गोदावरी ऐसे गोदावरी यहां से निकलती है और यहां गिर जाती है इसको प्रायद्वीपीय भारत की गंगा बोल देते हैं पेनिनसुला इंडिया की या दक्षिण भारत की गंगा बोल देते हैं ठीक है ध्यान रखना इसको गंगा बोल देते हैं गोदावरी गोदावरी का जो बेसिन है ना गंगा के बाद सबसे बड़ा बेसिन है हमारे भारत में भाई इसकी सहायक नदियां बहुत हैं वेन गंगा पेन गंगा इंद्रावती ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो इसकी सहायक हैं गोदावरी की ठीक है समझ गए इतनी बात डेल्टा बनाती है और गिर जाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर इतनी बात क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अट्ठाइस अट्ठाइस क्या कहता है अच्छे से देना इसको गलत ना करना थोड़ा गहराई वाला क्वेश्चन है लेकिन तुम अच्छे बच्चे हो टैकल करते हो भिड़ना तुम जानते हो क्योंकि तुम सीजीएल वाले बंदे हो ठीक है ध्यान रखना चलो दून ये दून वैलियों के बारे में बोल रहा है दून घाटियों के बारे में निम्न हिमालय क्षेत्रों में से किसके बीच है दून आर फॉर्म बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन किसके बीच पड़ती है ये दून घाटियां ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में शिवालिक ध्यान रखना इसको लेसर लिखना है है ठीक यानी कि लघु लिखना लघु शिवालिक या लघु के, के बीच में महान हिमालय या लघु हिमालय के बीच में लघु लिखना ठीक है लघु के बीच में शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच में तुमको कौन सा लगता है इसमें अच्छे से सोच के देखना कि ये किस किस के बीच में लाए करती हैं मैं यहां इतने सारे बनाए लेता हूं कि भैया ये तो हो गया ट्रांस हिमालय ऊपर वाला ठीक है ट्रांस हिमालय के बाद आया ग्रेट हिमालय ठीक है ग्रेट हिमालय के बाद आया लेसर हिमालय लघु हिमालय फिर आई शिवालिक ठीक है ये आए शिवालिक चौथा पार्ट तो अब तुम्हारे हिसाब से कौन सा है गलत मत कर दियो जो लोग बी दे रहे हैं और जीत चौहान सर दे रहे हैं डी नहीं सर ये तो शिवालिक और उत्तरी मैदान मैदान में क्या बनाएगी मैदान में वैली कैसे बनाएगी नहीं बनाएगी ठीक है डी वाला तो गलत है हर्षिता शर्मा मैम नहीं मैम डी नहीं है उसके बाद जो बी दे रहे हैं वो सही जा रहे हैं और कृष्णा सर कह रहे हैं ए नहीं ए भी नहीं है सर इसमें आएगा बी ध्यान रखना शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में यहां पर बीच में शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में आती हैं ध्यान रखना दून वैलियां ध्यान रखोगे शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में बहुत सारे टूरिज्म के प्लेस भी हैं जैसे कि नैनीताल ले लो चक्राता ले लो ठीक है ये सब इसी में आती है ज्यादातर घूमने लायक जगह ठीक है और देहरादून वाला इलाका भी क्लियर हो गया इतनी बात चलिए नेक्स्ट बी हो गया इसमें आंसर अट्ठाइस का अब इसको लगाओ उनतीसवें को निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ में लगाओ अब इसको कैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाइए इनमें से कि नॉर्थ से साउथ में इनमें कौन सा लगेगा निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण नॉर्थ से साउथ के क्रम में लगाओ पीर पंजाल जासकर धौलाधर या लद्दाख नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुने पीर पंजाल जासकर धौलाधर या लद्दाख अच्छे से लगाना कुछ गलत मत कर देना बिल्कुल भी ठीक है चलो कि ऊपर कौन सा पड़ेगा और फिर नीचे कौन सा मैं इतने मैप बना लेता हूं बताओ नीतू कहती है चार दो एक तीन चार दो एक तीन ओके मैम उसके बाद कीर्ति दिमान मैम कहती है सी ओके मैम हाँ अब तो ठोक दिया अब काय को मानोगे अब तो कर दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दो तीन क्वेश्चन इसके बाद तीन क्वेश्चन हो रहे हैं खत्म मामला पूरा बहुत इंपॉर्टेंट थे तुम्हारे क्वेश्चन ध्यान रखियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत बहुत ज्यादा देखो क्लियर सी बात है सबसे ऊंची इनमें से रेंज कौन सी पड़ेगी जी लद्दाख लद्दाख रेंज हो गई उसके बाद आएगी जास्कर लद्दाख और जास्कर के बीच से हमें पता है सिंधु नदी निकल कर जा रही होती है ये भी बात ध्यान रखना ठीक उसके बाद दो हो गई उसके बाद आएगी पीर पंजाल यहां पर उसके बाद आएगी नीचे धोलाधर यहां पीर पंजाल जम्मू कश्मीर धोलाधर हिमाचल प्रदेश तो हो गई ना चार दो एक तीन क्लियर तो इसमें सी इज इस राइट ठीक है होशियार हो रहे हो तुम सही दे रहे हो लेकिन जो लोग नहीं बना पाते हैं वो कृपया करके गौर से एक बार देख लिया करें ठीक है क्लियर हो जाएगा इसी में अब बताओ तीसवा क्वेश्चन यदि सूर्य सुबह पांच बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश के तिरप में उगता है तो कब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सूर्य गुजरात के कांडला में उदय होगा बताइए कब होगा कितना टाइम लगेगा उसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा है लेकिन आंसर एक तो क्वेश्चन कितना ही घुमा ले आंसर एक ही है ध्यान रखना हेमंत मिश्रा सर हाँ सर बहुत बढ़िया इसमें आंसर ठीक दियो ठीक है अगर सुबह के पांच बजे थे ध्यान रखना सुबह के पांच बजे थे अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में तो यहां पर कितने बजेंगे गुजरात के कांडला में सही दे कुछ कह रहे हैं सात और अभी अभी एक ने दिया सेवन थर्टी ठीक है देखो हमें पता है एक कह रहे हैं पांच ही बजे होगेगा भैया टाइम का अंतर तो है ना देखो इधर से लेकर हमारे देश में पूरा टाइम का अंतर आ जाता है दो घंटे का दो घंटे का टाइम का अंतर ध्यान रखना दो घंटे का ऐसी मांग उठ रही है नॉर्थ ईस्ट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं उनके द्वारा यह कह रही है कि हमारे लिए एक अलग टाइम स्टैंडर्ड जोन दो जो कि देना भी चाहिए ठीक है क्योंकि बहुत बड़ा हमारा टाइम स्टैंडर्ड जोन है दो घंटे फर्क बहुत बड़ी बात होती है अमेरिका में सेवन टाइम जोन है ध्यान रखना सेवन टाइम जोन है और बढ़िया करके अपना टाइम का सेटलमेंट बनाया हुआ है ध्यान रखना कई बार पेपर में पूछा जाता है तो इसमें आएगा आंसर सात बजे सात बजे सूर्य उगेगा वहां पे क्योंकि भैया सूर्य इधर से ही तो पूर्व की साइड से ही तो उगता है, है ना क्योंकि पृथ्वी एंटी क्लॉक वाइज घूमती है ठीक है ध्यान रखना इस वजह से हमें सूर्य उगता हुआ किधर से दिखाई देता है ईस्ट से ध्यान रखोगे चलिए नेक्स्ट तीस हो गया इकतीसवा जुआरी नदी क्या कहता है जुआरी नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है भैया ये एसएससी की बहुत फेमस बहुत ज्यादा एसएससी हालांकि ये सारे क्वेश्चन जो एसएससी द्वारा इनके पूछे जाते हैं जुआरी नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जुआरी रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया गोवा महाराष्ट्र केरल अरुणाचल प्रदेश इसमें से किसमें पड़ेगी जुआरी नदी बताओ जुआरी नदी सही सही बताइयो गलत मत कर दियो ठीक है कुछ कह रहे हैं ए कुछ कह रहे डी वाई डी बताओ आ, बाबा ठंड लग रही है रे मर गए ठंड में चलो बहुत बढ़िया केरल नो गोवा को लॉक कर दूं ठीक है चलो देखो हमें पता है ये यहां पे पड़ेगा गोवा ठीक गोवा के अंदर जुआरी नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ध्यान रखना जुआरी नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ती है और आपने वास्को डिगामा पोर्ट सुना है वास्को डिगामा पोर्ट ठीक है वास्को डिगामा ठीक है वास्को डिगामा पोर्ट वो इसी के किनारे पर या वास्को डिगामा पोर्ट ठीक है गोवा में ध्यान रखना दो ही जिले हैं एक नॉर्थ गोवा और एक साउथ गोवा करके दो ही जिले पड़ते हैं गोवा में ठीक है एक हमारा सबसे छोटा स्टेट है ठीक उसके अंदर जुआरी नदी पड़ती है जिसके किनारे पर क्या है पोर्ट वास्को डिगामा पोर्ट है ठीक यहां एक और नदी है मांडवी नदी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जिस पर दूध सागर जलप्रपाते कई बार पूछ लेते हैं मांडवी नदी गोवा की एक और इंपॉर्टेंट है इस पर क्या है दूध सागर ठीक है दूध सागर दूध धारा मत लगा देना दूध धारा मध्य प्रदेश में है ठीक है दूध सागर मांडवी नदी गोवा के अंदर यह भी पूछ लेते हैं आपको क्लियरली लगानी है भूलना नहीं है बिल्कुल भी चलिए क्लियर हो गई है इतनी बात गोवा से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बताओ ठीक है लास्ट क्वेश्चन है इसको यहां सोन कर लेना लास्ट क्वेश्चन है सोन सोन नदी है ये ठीक है सोन लिखा हुआ है नदियों और उनके स्रोतों के निम्नलिखित मेलों में से कौन सा सही है कौन सा सही है इनको मेल मिलाओ इनको क्या ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है महानदा महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से है या सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है अब इनमें से सोच के देना देखते हैं कौन इस चीज को पकड़ता है और कौन गलत करता है इसमें से बताओ सोच समझ के क्योंकि ऑप्शन पर भी एक बार नजर जानी चाहिए तुम्हारी ठीक है ध्यान रखना एक कह रहे एक दो और चार राइट है मतलब तीसरा नहीं है उनके हिसाब से एक कह रहे एक दो चार सब एक दो चार कह रहे हैं यही नहीं है ठीक बताना एक कह रहे हैं डी के डी एक दो तीन चार देखो जो डी कह रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक है ध्यान रखना डी वाले बिल्कुल ठीक है भाई ये ब्रह्मपुत्र को आंगसी ग्लेशियर चेमडियुंग ग्लेशियर को आंगसी ग्लेशियर भी बोल देते हैं ठीक है जहां चेमडियुंग ग्लेशियर मानसरोवर कैलाश पर्वत रेंज में पड़ता है मानसरोवर इसको स्लैश करके आप मानसरोवर झील भी कर सकते हो मानसरोवर लेक भी कर सकते हो इसको स्लैश करके आप चेमडियुंग ग्लेशियर भी कर सकते हो चेमडियुंग इसको स्लैश करके आप कैलाश पर्वत रेंज भी कर सकते हो ठीक है कैलाश रेंज भी कर सकते हो तो देखा कितने भी नाम से हमको पूछ दे तो ये क्लियर दामोदर छोटा नागपुर प्लेचू हाँ तीन पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है छोटा नागपुर से निकलती है ठीक है ध्यान रखना महानंदा दार्जिलिंग हाँ दार्जिलिंग पहाड़ों में पड़ता है ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है जो पहाड़ी इलाके में पड़ता है देखो ऐसे है कुछ वेस्ट बंगाल का जो मैप है वो कुछ ऐसे पड़ेगा और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये दार्जिलिंग यहां से महानंदा निकलती है बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर है ध्यान रखना महानंदा नदी ये हो गई अमरकंटक सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी हाँ जी सोन नदी तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती थी और किधर को चलती है ऊपर की तरफ बिहार में ध्यान रखना पटना के पास जाकर यह सोन नदी गंगा में मिल जाती थी तो इसमें हमारा डी आ जाता है ठीक ठीक समझ गए तो ये थे तुम्हारे बत्तीस क्वेश्चन ध्यान रखना ये थे बत्तीस क्वेश्चन अब तुम्हारी होती है यहीं पे क्लास एंड देखो रोज अभी यूट्यूब पर मेरी ढाई बजे क्लास चलती है ध्यान रखना ढाई पी पर यूट्यूब पर रोज क्लास चलती है ढाई बजे ठीक है तो उसमें अभी पॉलिटी चल रही है स्टार्टिंग से ध्यान रखना ठीक ध्यान रखोगे ध्यान रखोगे पॉलिटी चल रही है ध्यान रखना तो इसमें आप आ सकते हो अगर पढ़नी है स्टार्टिंग से तो ठीक और जियोग्राफी में उससे पहले करा चुका हूं तो जीएस चलाता हूं मैं जीएस करके ठीक है जीएस करके उस पर डला हुआ रहेगा ढाई बजे यूट्यूब पर एग्जामपुर चैनल पर ही ठीक है बाकी तो मैं एग्जामपुर के पेड कोर्सेज पर ही पढ़ाता हूं जितनी भी ज़्यादातर मेरी क्लास चलती है वो एग्जामपुर के पेड कोर्सेज पर ही है ठीक है तो ये थी आप सबके लिए क्लास एक बढ़िया सी अर्थ फिर आएंगे नेक्स्ट वीक को लेके एसएससी वालों के लिए धमाका करते रहेंगे ठीक है और हां एक और बढ़िया बात तुम्हारे लिए ना एसएससी का चैनल खुल गया है पता तो होगा आप में से ठीक है एसएससी एस सी एग्जामपुर करके ठीक है एसएससी एस सी एग्जामपुर करके चैनल आ गया है आप एग्जामपुर के चैनल्स में जाकर उसको जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब क्लासेज वहां भी चला करेंगी अब क्लासेस वहां भी चला करेंगी ध्यान रखना एस की सारी ठीक ध्यान रखोगे इतनी बात पेपर में कई बार आती है और न्यू शेड्यूल भी आ गया है एस का उसी चैनल के लिए उस पर शेड्यूल वाइज क्लासेस चलेंगी डेली ध्यान रखोगे इतनी बात चलिए क्लियर हो गई मिलते हैं आप फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में ठीक है तो फिलहाल के लिए इतना ही थैंक यू सो मच मै सर